गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, ब्रांच की हमने फर्स्ट क्लास कर ली थी, ब्रांच की करते हैं हम सेकंड क्लास। हम कर रहे थे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, है ना। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में अब आगे चलते हैं कि कई बार ध्यान से समझना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान। हेड ऑफिस ब्रांच को देखो, ये तो समझ में आ गया कि हेड ऑफिस ब्रांच मतलब हेड ऑफिस अपना पैसा लगाता है। हेड ऑफिस जब अपनी कैपिटल लगाता है और हर एरिया में एक यूनिट खोल देता है तो उसको ब्रांच कहते हैं, है ना। अगर अपना पैसा नहीं लगा होता कि भाई एक यूनिट लक्ष्मी नगर में, एक यूनिट साउथ एक्स में, अपना पैसा नहीं लगा तो वो फ्रेंचाइजी कहलाते हैं, ठीक है, कि भाई वो तो फिर शेयरिंग बेसिस पर काम होता है। तो हम वो नहीं कर रहे, हम ब्रांच कर रहे हैं जिसमें हेड ऑफिस का पैसा लगा होता है, कि हमने अपना ही एक भाग कस्टमर एक्वायर करने के लिए, कस्टमर के घर तक पहुंचने के लिए यूनिट उसके एरिया में खोल दिया, ठीक है। तो फर्स्ट कर रहे हैं हम डिपेंडेंट ब्रांच, कि भाई सारे खर्चे हम करेंगे, माल हम भेजेंगे, स्टाफ हम अपॉइंट करेंगे, डिसीजन हम लेंगे, तुम सिर्फ वहां पर अपने काम पर फोकस करो। तो फर्स्ट हमने करा है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ठीक है। अब आगे चलते हैं उसमें, हमने ये कहा है कि कई बार हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड्स भेजता है, अब ब्रांच में हमने क्या करा है, एक मैनेजर अपॉइंट किया है जो सारी देखरेख करता है, है ना, कि भाई ठीक है अपॉइंट हम कर रहे हैं स्टाफ को, बट खर्चे की लेन देन उसकी देखरेख में हो रही है। हम माल भेज रहे हैं, बेच रहा है वो, हम उसको क्या दे रहे हैं, सैलरी, कमीशन, ठीक है। अब मैनेजर तो ह्यूमन बॉडी है ना, है तो वो इंसान ही, उसको कितनी सैलरी मिल रही है, 50,000, 60,000, 70,000, और थोड़ी बहुत उसको रेमुनरेशन दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। तो जब उसको ये लगता है कि यार सब कुछ तो मैं संभाल रहा हूं, समझ रहे हो, हेड ऑफिस तो दूर है और उन्होंने तो सिर्फ कैपिटल लगाई है, नहीं स्टाफ का अपॉइंटमेंट कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सब कुछ माल मैं बेच रहा हूं, कस्टमर को मैं डील कर रहा हूं, कस्टमर की समस्या को मैं सुन रहा हूं, स्टाफ की समस्या को मैं डील कर रहा हूं, और प्रॉफिट हेड ऑफिस ले रहा है, और मुझे क्या मिल रहा है, बाबा जी का ठुल्लू। तो भाई उसके दिमाग में ये शैतानी पॉइंट आ जाता है कहीं ना कहीं, तो वो फिर अपना बिजनेस करने की सोचने लगता है, समझ रहे। तो ये सारी बातें हेड ऑफिस भी पहले सोच लेता है कि यार अगर ब्रांच मैनेजर को सही से प्रॉफिट का पता लग गया, नहीं तो उसका दिमाग चल सकता है, वो फिर हो सकता है कि मैनेजर की पोस्ट पर काम ना करे और बराबर में कंपिटिटर खड़ा हो जाए, अपना ही काम कर ले, सारा स्टाफ ले जाए, सारे कस्टमर ले जाए, हम तो फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को जो माल भेजता है उसके सही कॉस्ट नहीं बताता। मान लो 100 रुपए की कॉस्ट है और वो ब्रांच बेच रही है उसको 125 रुपए में, तो ब्रांच को बताता ही 120 रुपए है, या कई बार बताता ही 125 है कि देखो यार रो, मतलब वो कहता है रोते रहो रोते रहो, रो नहीं क्या देता हमारी, कि भैया 125 रुपए में तुम्हें भेज रहे हैं, 125 रुपए में तुम बेच रहे हो, ये तो बस लॉस में काम कर रहे हैं, समाज सेवा है, चलो मन लगा रहे, एक्टिविटी होती रहे, ऐसी बातें करते हैं मैनेजर को। तो मैनेजर को लगता है यार 125 रुपए में तो 125 रुपए में माल आया, 125 रुपए में बेच रहा हूं, चलो मेरे को क्या, मुझे तो अपनी कमीशन, मुझे तो अपना सैलरी मिल रही है, चलो कमीशन नहीं मिल रही कोई बात नहीं। तो जब हेड ऑफिस कमीशन नहीं देना चाहता मैनेजर को, या उनको लगता है कि ब्रांच मैनेजर कहीं गलती से अपना बिजनेस ना शुरू कर ले, तो उसको जो प्राइस है वो कॉस्ट बढ़ाकर बताते हैं, उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, व्हेन हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट, नहीं डायरेक्ट लिखता हूं मैं, एट इनवॉइस प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस, जब हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजता है इनवॉइस प्राइस पर, ठीक है। इनवॉइस प्राइस क्या होती है,
इनवाइस प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्लस मार्जिन, ठीक है, मार्कअप कह सकते हो, लोडिंग कह सकते हैं कि हमने इतना ऐड करके दिया उसको, राइट भाई? तो वो कहलाती है इनवाइस प्राइस, यानी जिस पर हम ब्रांच को माल भेजते हैं, ठीक है, यानी ओवर एंड अबव एनी प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो भी हम उसको भेजते हैं वो इनवाइस प्राइस कहलाती है, ठीक है भाई? और फिर वो आगे माल बेचता है, तो जिस पर कस्टमर को देता है वो सेलिंग प्राइस कहलाती है, ठीक है? अब एक बात और समझ लेना जरा, सपोज कॉस्ट मेरी है 100 रुपीज, ठीक है, हमने लोडिंग ऐड कर दी, लोडिंग समझ गए ना, हमारा मार्जिन, ताकि उसको पता ना चले कि हम कितना कमा रहे हैं, 25 रुपये, तो 125 बन जाती है हमारी इनवाइस प्राइस, इसको बोलते हैं हम इनवाइस प्राइस, यानी भेजने वाली प्राइस, जिस मूल्य पर हमने उसको भेजा है, ओके? तो ये जो लोडिंग है अब जरा ध्यान से समझना, ये 25 यानी 100 का 1/4 है, 1/4 ऑफ कॉस्ट है, 25/100 इनवाइस प्राइस का 25/125 यानी 1/5 ऑफ आईपी। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कभी भी लोडिंग कॉस्ट का 1/4 होगी तो ये नीचे ऐड हो जाएगा, उसका आईपी का होगा, ठीक है? जैसे मैं कहूं 2/5 फॉर एग्जांपल, कोई भी 2/5 ऑफ कॉस्ट, तो क्या होगा? 2/7 ऑफ आईपी, ठीक है? कॉस्ट से जब आईपी पर आएंगे तो ये नीचे जोड़ देंगे, 1/3 ऑफ कॉस्ट क्या होगा? 1/4 ऑफ आईपी, 1/4 ऑफ आईपी, 1/3 ऑफ कॉस्ट, बोलो क्लियर पार्ट भाई? तो ये लोडिंग का मेथड हो गया, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कॉस्ट प्लस लोडिंग आईपी होता है, ठीक है, राइट भाई? ये लोडिंग है, ठीक है, और ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट यानी 4 रुपए की है तो लोडिंग 1, ठीक है, और अगर लोडिंग 1 ही है जब 5 रुपए की इनवाइस प्राइस है, मतलब 4 रुपए की कॉस्ट तो लोडिंग 1, आईपी 5, ये तो कह रहे हैं, ये 1/4 या 1/5, ठीक है भाई? तो जब कॉस्ट से आईपी पर जाओगे तो ऊपर वाला फैक्टर नीचे ऐड हो जाता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे ऐड हो जाता है, बोलो क्लियर है? आगे चलें, तो जिस प्राइस पर हम ब्रांच को भेजते हैं वो प्राइस मेरी कहलाती है इनवाइस प्राइस, ठीक है? अब कई बार ब्रांच आगे कस्टमर को आईपी पर ही बेचता है, कई बार उससे ज्यादा पर भी बेचता है, ठीक है? तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट हमारा क्या होगा? हाँ जी, फाइनल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, ये होगा मेरा प्रॉफिट, तो ठीक है भाई? तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अब हम, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस इनवाइस प्राइस, ओके, ये ब्रांच को पता लगता है, इनवाइस प्राइस माइनस कॉस्ट, ओके, ये सिर्फ हेड ऑफिस को पता लगता है, समझ के बात भाई? ये ओनली हेड ऑफिस को पता लगता है, और ये ब्रांच को पता लगता है एज वेल एज हेड ऑफिस को। मतलब अगर सपोज हमारे एक माल की कीमत 100 रुपए है और मैंने ब्रांच को भेजा इनवाइस, आईपी का मतलब इनवाइस प्राइस, 125 रुपए में उसको बोला, उसने आगे 130 में बेच दिया, ठीक है भाई? तो एक्चुअल प्रॉफिट तो 30 रुपए हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट तो 30 रुपए का हुआ, ठीक है, बट ब्रांच को पता लगेगा केवल 5 रुपए का, है ना? जो मुझे भी पता लगेगा, ये ब्रांच एज वेल एज हेड ऑफिस, और ये केवल ब्रांच को पता, ये केवल हेड ऑफिस को पता होगा ओनली,
आगे बात समझ में। तो अब हमें इसको इस तरह से अकाउंटिंग प्रेजेंट करना है कि ये प्रॉफिट केवल केवल हेड ऑफिस अपनी बुक्स में दिखाए और ये ब्रांच की बुक्स में रिफ्लेक्ट हो, जो दोनों को पता हो। कई बार ब्रांच अगर 125 में बेचेगा तो सरप्लस, इसको बोल देंगे सरप्लस, तो कोई सरप्लस नहीं होगा, ठीक है, राइट भाई, इसको बोल देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल मिला के सरप्लस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट बराबर फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा पर्पस क्या होता है इनवाइस प्राइस पर भेजने का? हाँ जी, पर्पस क्या होता है? अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहले पर्पस लिख ले। नहीं भी, पर्पस हमारा ये होता है इनवाइस प्राइस पर भेजने का, ताकि ब्रांच मैनेजर को हम कमीशन नहीं देना चाहते हैं, या फिर हमें ये डर है कि वो अपना बिजनेस ना शुरू कर दे उस हाई प्रॉफिट को देखकर, ठीक है, ओके। हाँ जी, व्हेन हेड ऑफिस इंटेंशन इज टू रिड्यूस और अवॉइड ब्रांच मैनेजर कमीशन, क्योंकि कमीशन प्रॉफिट पर होती है ना, तो हम उसको कम करना चाहते हैं या अवॉइड करना चाहते हैं, तब हम देन हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू ब्रांच एट इनवाइस प्राइस, जो कि कॉस्ट प्लस मार्जिन है। आगे बात समझ में। और हमें ये डर है कि वो अपना बिजनेस ना शुरू कर दे, ठीक है। दूसरा, टू एंश्योर डैट ब्रांच मैनेजर विल कॉन्टिन्यू हिज जॉब, ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, ठीक है भाई, ठीक है। इस वजह से हेड ऑफिस ब्रांच को बड़ी हुई कीमत पर माल भेजता है, ठीक है बेटा। चलो एक बार फटाफट नोट कर लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी जरा। चलिए अभी बात ध्यान रखना, फाइनल प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, ठीक है। मैं इसको दोबारा दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, सपोज हमने 100 रुपए की कॉस्ट का माल भेजा ब्रांच को 125 रुपए में, ये आईपी हो गई, ठीक है। उन्होंने आगे बेचा 130 रुपए में, ओके। तो ये प्रॉफिट किसको, ये प्रॉफिट कौन दिखाएगा? ब्रांच, है ना, ये प्रॉफिट कौन दिखाएगा? ब्रांच। एक मिनट, हमने यही करा ना, हाँ, एज वेल एज हेड ऑफिस, ओके। और ये प्रॉफिट केवल और केवल हेड ऑफिस की बुक्स में आएगा, ब्रांच को थोड़ा ना पता होगा, ठीक बात है। अब ध्यान से, ये वाला जो प्रॉफिट है, इसको बोलेंगे लोडिंग, इसको बोलेंगे हम लोडिंग्स, यानी जो हमने झूठ बोला है, जो हमारा प्रॉफिट है, ताकि हम उसको अवॉइड करा पाए, उसको ना बताएं हम। तो ये कहां से दिखाएंगे हम, कौन से अकाउंट से? ब्रांच, इसको एक अलग नाम दे देंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, कि भाई ये हमारी एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो नाम दे दिया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से पता लगेगा कि मैंने कितने रुपए का मार्जिन रख कर ब्रांच को भेजा है, जो ब्रांच को पता नहीं है, जो ब्रांच को नहीं पता, तो ये मेरी एक एडजस्टमेंट है, ठीक है भाई। ये वाला जो प्रॉफिट होगा कि ब्रांच मेहनत करके आईपीए से ऊपर कितने में बेच रहा है, ओके, ये वाला, इसको बेसिकली बोलेंगे हम सरप्लस, ठीक है भाई। ये पता लगेगा हमारे को ब्रांच स्टॉक अकाउंट से, ये पता लगेगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट से, ठीक है। तो लोडिंग प्लस सरप्लस, लोडिंग प्लस सरप्लस, ठीक है, लोडिंग प्लस सरप्लस, लोडिंग प्लस सरप्लस,
ठीक है, ये कहलाएगा टोटल प्रॉफिट, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, ये कहलाएगा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है भाई, राइट। आप देखो ध्यान से, इतनी बात समझ में आ गई। अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। अब ध्यान से समझना, एग्जांपल के हिसाब से जब हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, पहली बात लेने की अगर ब्रांच यहां तक बात समझ में आ गई आपको, अगर हम ब्रांच को 125 रुपए में माल भेज रहे हैं, अगर हम ब्रांच को 125 रुपए में भेज रहे हैं, मैं दो पार्ट में समझा रहा हूं इसको, और ब्रांच 125 रुपए में ही बेचती है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर ब्रांच उसको इनवाइस प्राइस पर ही भेजती है, तो मैं इसको फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं, इफ ब्रांच सोल्ड गुड्स एट आईपी, इसका मतलब ध्यान से सुनना, कॉस्ट प्राइस मेरी 100 रुपए की है, इनवाइस प्राइस मेरी 125 रुपए की है, और सेलिंग प्राइस भी 125 रुपए की है, मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले जब आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे, स्टॉक अकाउंट बनाओगे, मैं जनरल एंट्री भी अभी समझाता हूं आपको। ब्रांच स्टॉक अकाउंट किसकी बुक्स में बनाते हैं? ये हेड ऑफिस की बुक्स में। किसकी बुक में बनाते हैं हम? हेड ऑफिस की बुक्स में, ओके। चलो चलो भाई, ब्रांच स्टॉक अकाउंट यानी ब्रांच के पास मेरा कितना माल पड़ा हुआ है ना, मैंने उसको माल भेजा, तो क्या एंट्री बनेगी? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है भाई, क्योंकि ये बुक्स तो ब्रांच भी देख रहा है, तो 125 रुपए में भेजा। बोलो क्लियर पार्ट भाई, 125 रुपए में भेजा, एंट्री बन गई ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। अब उसने माल बेच दिया, ध्यान से सुनना, उसने बेचा, जब उसने माल बेचा तो क्या एंट्री पास करेंगे हम? नकद या उधार? कैश अकाउंट डेबिट, उधार बेचा, डेटर्स टू ब्रांच सेल। अब ब्रांच सेल या ब्रांच स्टॉक एक ही बात है, जब माल बेच रहे तो मेरा स्टॉक कम होता है ना, अब कैश के जगह ब्रांच कैश और क्रेडिट के जगह ब्रांच डेटर, तो यह आ जाता है बाय सेल, है ना, कैश सेल और क्रेडिट सेल जो भी आती है। मान लो वो गुड्स उसने 125 रुपए में बेच दिया, मान लो वो गुड्स उसने उसको 125 रुपए में बेच दिया, ठीक है, तो इसका मतलब कोई सरप्लस नहीं आया, इसका मतलब कोई सरप्लस नहीं आया। हम ब्रांच मैनेजर को कह रहे हैं कि भाई बहुत तंगी चल रही है, नहीं तुम्हारी सैलरी भी हम रो रो के दे रहे हैं, तो कहेगा ठीक है बाबू जी, मेरे को मेरी सैलरी मिल रही है, बस ठीक है, चलो भगवान भरोसे, ओके। अब ध्यान से सुनो, ये हमारी कौन सी प्राइस हो गई? इनवाइस प्राइस, ये हमारी हो गई इनवाइस प्राइस पर, ठीक है, इसका मतलब मैंने ब्रांच से कुछ नहीं कमाया एक्सेस, पर ब्रांच को भेजकर 25 रुपए कमाए। तो हम एक और अकाउंट बनाएंगे, कौन सा? ध्यान से सुनो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, नहीं लोडिंग का, लोडिंग का, ओके, ये केवल लोडिंग का अकाउंट, ये केवल लोडिंग का अकाउंट, ओके, यानी लोडिंग का मतलब एक्सेस ऑफ इनवाइस प्राइस ओवर कॉस्ट, लोडिंग मतलब एक्सेस ऑफ इनवाइस प्राइस ओवर कॉस्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, जो गुड्स मैंने 125 रुपए में भेजा था उसको, जो गुड्स मैंने उसको 125 रुपए में भेजा था, इस पर लोडिंग कितनी है? 25 रुपए, तो यानी मैंने कमा लिया, क्रेडिट हो गया, यहां जाएगा बाई ब्रांच स्टॉक, कितने रुपए? लोडिंग ऑन गुड्स सेंट, लोडिंग ऑन गुड्स सेंट कितने रुपए? 25, एक्सेस ऑफ आईपी एंड कॉस्ट, एक्सेस ऑफ आईपी एंड कॉस्ट, ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा एक, ध्यान से समझना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम बनाएंगे एक गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है भाई, हाँ जी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में क्या आ जाएगा? बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट आईपी पर एंट्री पास हो गई, ठीक है। अब इसमें लोडिंग कितनी है?
वो लोडिंग में चला गया, ठीक है, वो लोडिंग में चला गया, हाँ जी, ब्रांच एडजस्टमेंट में, ये ब्रांच एडजस्टमेंट में कितने रुपए, 25 रुपए, यानी यहां गया। ब्रांच स्टॉक अकाउंट बोलो, या एक काम करो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट ना बोल के भाई गुड्स सेंड टू ब्रांच कह दो, बाई गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है, कितने रुपए, 25 रुपए, बाई गुड सेंड टू ब्रांच 25 रुपए, ठीक है भाई, यानी ये लोडिंग हो गई, ठीक है, और बाकी का पार्ट अब ध्यान से सुनो, बाकी कितने रुपए रहे, 100 रुपए, ये कहां चले जाएंगे, ट्रेडिंग में, कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा परचेजेस में से कम हो जाएंगे, नहीं भाई, क्योंकि एक मिनट, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, मैं समझा दूं आपको, हेड ऑफिस अपने बुक्स में ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने सारा परचेज किया था वो यहां पर आ जाएगा, जो टोटल परचेज किया था इसको थोड़ा साफ सा बना दो, हेड ऑफिस अपने बुक्स में जो बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, हेड ऑफिस अपने बुक्स में जो बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, हेड ऑफिस अपने बुक्स में जो बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पर लिखाते हैं वो परचेजेस, है ना, परचेज डेबिट टू वेंडर, राइट भाई, और फिर ट्रेडिंग डेबिट टू परचेज, टोटल परचेज हेड ऑफिस ने जो खरीदी, हेड ऑफिस ने टोटल सामान जो खरीदा, नहीं, इसमें से जो उसने खुद बेच दिया वो यहां जाता है सेल बाय हेड ऑफिस सेल प्राइस पर। अब जो ब्रांच को भेजा, जो ब्रांच को भेजा वो यहां आ जाता है, नहीं भाई, बाय गुड सेंड टू ब्रांच, ओके, किस पर, किस पर, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि इस पर ये परचेज में से कम हो जाता है, क्योंकि जो माल मैं हेड ऑफिस कह रहा, मैं लोकल मार्केट में बेच रहा हूं, जो लोकल मार्केट में बेच रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट से, मेरा वो प्रॉफिट आएगा बस, नहीं भाई, और जो मैंने अदर देन लोकल मार्केट को भेज दिया, ब्रांच को भेज दिया, नहीं, फ्रेंचाइजी को दे दिया, किसी और को दे दिया, तो वो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से यहां से कम हो जाता है, उस पर प्रॉफिट लॉस अलग निकालता हूं, तो वो आ गया गुड सेंड टू ब्रांच, तो गुड सेंड टू ब्रांच डेबिट टू ट्रेडिंग कॉस्ट प्राइस पर। बोलो समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है बेटा, तो ये देखो जरा, ये आईपी पर आया, है ना, ये आईपी पर आया, यहां कोई सरप्लस नहीं आया है क्योंकि ब्रांच ने इतने में ही बेचा, अगर ब्रांच ने 130 में बेचा होता तो यहां प्रॉफिट आ जाता, अच्छा, अब ये इसमें मेरा कितना मार्जिन है 25, वो यहां पर आ गया, ठीक है भाई, और कॉस्ट कितनी है इसकी, 100 रुपए, वो परचेज में से कम हो गई, ठीक है, ये 125 यहां पर आ गए, इसमें 25 रुपए का मार्जिन ब्रांच एडजस्टमेंट में और 100 रुपए कॉस्ट परचेज में से कम, तो 25 रुपए मैंने कमा लिए, ये मेरा चला जाएगा कहां पर, टू ब्रांच ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके, ये कहलाएगा बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट, ये कहलाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, राइट, चलो एक बार इतना समझ लो, आपको 125 रुपए की आईपी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आएगी, इसमें लोडिंग, इसमें जो लोडिंग होगी, इसमें जो लोडिंग होगी, ठीक है, वो हमने यहां क्रेडिट कर दी, ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस है बेसिकली वो यहां आ गई, चलिए फटाफट नोट करो जल्दी से, फिर मैं एंट्री समझा दूंगा आपको, चलिए अब इसको हम अगर जनरल एंट्री से समझ लें हम, ठीक है, ध्यान से देखो, जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को माल भेजा तो हेड ऑफिस अपने बुक्स बनाएगा, हम क्या कर रहे हैं, ये डिपेंडेंट ब्रांच स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में, ठीक है, गुड्स आर सेंड टू ब्रांच एट इनवाइस प्राइस, तो जब हम माल भेज देंगे, गुड्स सेंट, माल भेजने की एंट्री क्या होगी, हेड ऑफिस माल भेज रहा है ब्रांच को, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ रहा है ना, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच का स्टॉक बढ़ रहा है ना, और मेरी परचेजेस कम हो रही है, तो डायरेक्ट परचेज कम ना करके हम
एक डाल देते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, है ना, बीइंग गुड्स सेंट टू ब्रांच, ओके। अब ये कौन सी प्राइस पर होगी? इनवाइस प्राइस पर। ये कौन सी प्राइस पर होगी? इनवाइस प्राइस पर, ठीक है, 125 पर। यही हो गई जब हमने माल भेजा, तो ध्यान से देखो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, ये हो गई एंट्री, ठीक है, क्लियर है। अब जब ब्रांच के पास माल पहुंच गया, ठीक है, तो ब्रांच बेचेगा, तो ब्रांच क्या एंट्री पास करता है अपने पास? सेल की। ब्रांच क्या एंट्री पास करता है? सेल की, हाँ जी, कैश सेल या क्रेडिट सेल। तो कैश अकाउंट डेबिट या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ये तो होती है बेसिक एंट्री। अब ब्रांच बेच रहा है ना, तो ब्रांच का कैश बढ़ रहा है, उधार बेच रहा है तो ब्रांच के डेटर्स बढ़ रहे हैं, यानी सेल मेरा कहां पर है? ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, बोलो, क्लियर है। तो बीइंग सेल एट ब्रांच, बीइंग सेल अकर्ड एट ब्रांच, ये कौन सी प्राइस पर होगी? सेलिंग प्राइस पर। अभी फिलहाल हम क्या मान के चल रहे हैं? 125 पर उसने बेचा, तो ब्रांच अकाउंट में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आ गया बाई ब्रांच कैश या सेल, ठीक है भाई, चलिए, क्लियर है बेटा। ये दो, तो यहां सरप्लस कुछ नहीं आया। चलो, अब जो 125 रुपए में भेजा, इसमें मेरा मार्जिन 25 है, वो दिखाना है मुझे। तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट बना लो, ठीक है, इसमें लोडिंग कितनी है? 25, वो अलग कर लो, इसमें लोडिंग अलग कर लो, इसमें लोडिंग अलग कर लो और कॉस्ट अलग कर लो, नहीं, इसमें लोडिंग अलग कर लो और कॉस्ट अलग कर लो। लोडिंग दिखा दो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, और कॉस्ट प्राइस दिखा दो ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है भाई, यही तो है। तो गुड्स एंट्री क्या बनेगी मेरे पास? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, कितने रुपए पर? ये आईपी पर है 125, है ना। इसमें लोडिंग कितनी है वो अलग दिखाऊंगा, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, टू ब्रांच एडजस्टमेंट, लोडिंग 25, है ना, और जो कॉस्ट है वो ट्रेडिंग में आ जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग से कम होगी, मतलब परचेजेस से कम हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। आगे बस समझ में, तो देखो ध्यान से, गुड सेंड टू ब्रांच, गुड सेंड टू ब्रांच, ये रहा गुड सेंड टू ब्रांच, टू ब्रांच एडजस्टमेंट, लोडिंग आ गई, है ना, ट्रेडिंग आ गई, परचेजेस, ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाओ, ठीक है भाई, ये आपकी लोडिंग आ गई, गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट, और बाकी जो बैलेंस आ गया ये ट्रांसफर हो जाएगा। बोलो बेटा, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, राइट, चलिए एक बार फटाफट नोट कर लो इसको जल्दी से जरा। चलिए, अब इसमें हम समझते हैं रिटर्न, ध्यान से सुनना, साथ में, हमने माल भेजा ब्रांच को, ठीक है, रिटर्न बाई ब्रांच, रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस, क्यों? कई बार हम ब्रांच को सरप्लस भेज देते हैं, कई बार ब्रांच को उसकी रिक्वायरमेंट का नहीं भेजते, कई बार ब्रांच को डिफेक्टिव दे देते हैं, कोई भी कारण, तो ब्रांच उसको वापस भेज देता है कि मेरी रिक्वायरमेंट का नहीं है, आपने किसी और ब्रांच का मुझे भेज दिया, ये डिफेक्टिव है और ये सरप्लस है, तो कोई भी कारण हो ब्रांच वापस भेज देता है। तो सोचो, हमने हेड ऑफिस ने ब्रांच को आईपी पर भेजा था, तो ब्रांच किस प्राइस पर भेजेगा? ब्रांच को तो कॉस्ट पता ही नहीं, ब्रांच को तो कॉस्ट पता ही नहीं, तो वो किस प्राइस पर भेजेगा? आईपी पर। अरे सिंपल सी बात है, ये अंडरस्टूड है हमेशा, ऑलवेज एट आईपी, ऑलवेज एट आईपी, अगर आईपी की बात है तो। अब ये नहीं है कि कॉस्ट प्राइस की बात है तो भी नहीं, तो ये तो आईपी वाली बात चल रही है, तो साइलेंट होगा तब भी। अरे सिंपल सी बात, इसका लॉजिक समझो कि जो कपड़े आप घर से पहन के चले थे सवेरे, वही कपड़े तो पहन के वापस आओगे, तो इसमें तो अंडरस्टूड है, कोई बात ही नहीं है कहने की। तो जिस प्राइस पर ब्रांच को भेजा था उसी प्राइस पर तो
लौट कर आएगा माल, तो यानी सेम प्राइस पर आपकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है। यानी गुड सेंड टू ब्रांच टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यानी गुड सेंड टू ब्रांच गुड्स सेंड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, नहीं भी कौन सी प्राइस पर, आईपी पर, यानी बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ठीक है। अब इस पर लोडिंग सेम, क्या करोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट सेम, इसकी रिवर्स कर दो ना, हाँ जी ये वाली रिवर्स कर दो आप, ठीक है, हाँ जी ब्रांच एडजस्टमेंट और ट्रेडिंग डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है ना, टू गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है भाई, हाँ जी ये आईपी पर ये लोडिंग डेबिट हो जाएगी कैंसिल, और ये परचेज यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई। चलो फटाफट नोट कर लो इसको, फिर आगे चले हम, जल्दी करो। अच्छा अगर अब आगे चलते थोड़ा सा, अगर ब्रांच आईपी से ऊपर पर बेच दे, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पॉइंट, इफ ब्रांच सोल्ड द गुड्स एट ए प्राइस, नहीं यानी सेलिंग प्राइस विच इज हायर देन आईपी, ठीक है। तो टोटल ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए की है, आईपी 125 रुपए की है, और सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 130 रुपए की है, तो टोटल प्रॉफिट 30 रुपए का आएगा, टोटल प्रॉफिट आपका 30 रुपए का आएगा, इसको भी ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है भाई, राइट। ये हमारा सरप्लस आएगा, इसको बोलेंगे हम सरप्लस, ये कहां से आएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से, ये कहां से आएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट से, ठीक है। और ये लोडिंग ये कहां से आएगी, ब्रांच एडजस्टमेंट से, ठीक है भाई। तो इन दोनों का टोटल हमारा आ जाएगा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, वो पीएल में चला जाएगा, बोलो क्लियर पार्ट, ये 25 रुपए और ये 5 रुपए, तो टोटल प्रॉफिट मेरा हो गया 30 रुपए का। अब कैसे, ठीक है, यहां से देखते चले जाओ। सबसे पहले बनाएंगे हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सबसे पहले बनाएंगे हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये किस पे बनता है, हमेशा आईपी पर, ये किस पर बनेगा, इनवाइस प्राइस पर, फिर बनेगा हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लोडिंग का अकाउंट, और फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, है ना। समझने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी रख लेते हैं, ये सारे कौन बना रहा है, हेड ऑफिस अपने बुक्स में, ये सारे कौन बना रहा है, हेड ऑफिस की बुक, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम चल रहा है। चलिए फटाफट देखो, हमने माल भेजा 100 रुपए के 125 रुपए में, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना आ जाएगा, 125 रुपए, ठीक बात है, राइट। अब ब्रांच ने माल बेच दिया 130 रुपए में, तो ब्रांच क्या एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच सेल, कैश की जगह ब्रांच कैश, क्रेडिट की जगह ब्रांच डेटर, तो ब्रांच सेल ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, है ना, कैश या क्रेडिट, कितने रुपए में, 130 में। अब ध्यान से सुनो बिल्कुल, तो ये जो 5 रुपए आएगा ये नॉमिनल प्रॉफिट हो गया, ये नॉमिनल प्रॉफिट, ठीक है यार 5 रुपए पर कमीशन दे देंगे, तो ये कहलाएगा मेरा सरप्लस, ठीक है, ये कहलाएगा मेरा सरप्लस, ओके, यानी एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर आईपी। ब्रांच ने आईपी से ऊपर कितने रुपए में बेच दिया, ब्रांच ने आईपी से ऊपर कितने रुपए में बेच दिया, ठीक है भाई, ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका कहां पर,
ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है, राइट भाई। चलिए अब ब्रांच एडजस्टमेंट में ध्यान से देखो, ब्रांच पहले गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसी की रिवर्स एंट्री। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच में क्या आ गया, बाई ब्रांच स्टॉक आईपी पर, है ना, ठीक है भाई। इसमें लोडिंग कितनी है, ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगी कितनी, 25 रुपए, और बाकी ट्रेडिंग में 100 रुपए ट्रेडिंग में, तो टोटल परचेस करा होगा वो, है ना। इसमें से जो गुड्स सेंट ब्रांच को भेज दिया, ठीक है। अब देखो यानी 125 में 25 रुपए का मेरा मार्जिन, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना, 25 रुपए। 125 में 25 मैंने कमाए, ठीक है, और 100 रुपए का गुड्स परचेसेस में से कम हो गया, ठीक है भाई। ब्रांच ने कितने कमा के दिए मुझे, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सरप्लस, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, सरप्लस ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट, यहां आ जाएगा सरप्लस, ठीक है भाई। कितने, 5 रुपए, मेरी बात समझ में आई, सरप्लस ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट, एंट्री बनाना चाहो बना लो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सरप्लस एंड देन सरप्लस डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है भाई। तो ये किसका डिफरेंस है, हाँ जी 25 रुपए, कौन सा, ये वाला लोडिंग का, और 5 रुपए ब्रांच ने कमा के दिए, तो टोटल मेरे पास हो गए 30 रुपए, ठीक है भाई। इसको बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर कर दोगे टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है ग्रॉस प्रॉफिट, इसको बोलोगे टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है भाई। चलो बिल्कुल क्लियर हो गया, 25 रुपए हमने ब्रांच को भेज कर कमाए, 5 रुपए ब्रांच ने मुझे कमा के दिए, तो 25 कहलाएगा लोडिंग, 25 कहलाएगा लोडिंग एक्सेस ऑफ आईपी ओवर कॉस्ट, और सरप्लस ये कहलाएगा एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर आईपी। चलो फटाफट नोट कर लो जल्दी क्विक, फिर आगे चलें। चलिए अभी यहां पर था जितना मैंने माल भेजा उतना बेच दिया, तो अब ये बात समझ में आ गई। अब कई बार क्या होता है, हम ब्रांच को गुड्स भेजते हैं और ब्रांच सारा नहीं बेच पाता, कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, समझ रहे हो। तो अगर मान लो मैंने उसको माल भेजा 125 रुपए में, क्वांटिटी ज्यादा थी, तो हमने तो इसमें क्या करा, जितना भेजा सारा बेच दिया, जितना भेजा सारा बेच दिया, समझ में आ गई। तब तो हमारा ये 125 रुपए पर, है ना, 25 रुपए वाली बात ठीक है, मैंने कमा लिए, ठीक है भाई, यानी ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाओ ना, ये 25 रुपए, ये वाले 25 रुपए, ये मैंने कमा लिए 125 पर, ये 25 कब कमाए, जब मैंने ब्रांच को भेजा और ब्रांच ने सारा बेच दिया, तब तो ये बात समझ में आ जाती है। परंतु अगर सारा नहीं बेचा, ध्यान से सुनो, मैंने कोई माल 100 रुपए का 125 रुपए में उसको भेजा, ठीक है, दो गुड्स भेजे और ये उसने बेच दिया, ये नहीं बेचा, तो भाई जो नहीं बेचा वो तो क्लोजिंग स्टॉक रह गया, उस पर थोड़ी ना मैं प्रॉफिट अभी कमा लूंगा। प्रॉफिट तो तभी कमाते हो व्हेन गुड्स रीचेज इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर। क्या कह रहे हैं हम, हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजकर प्रॉफिट नहीं कमा सकता। फिर सर ये 25, अरे ये 25 तब कमा रहा है जब ब्रांच ने वो आगे बेच दिया, बात समझ में आ रही है। अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा और ब्रांच के पास है वो गुड्स, बेचा नहीं, ठीक है, तो हेड ऑफिस और ब्रांच है तो वो कंसोलिडेशन में एक ही ना भाई, एक हाथ दूसरे हाथ को बेचकर प्रॉफिट नहीं कमा सकता ना, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जब तक ब्रांच आगे नहीं बेचेगा तब तक उस पर जो प्रॉफिट अगर क्रेडिट कर भी दिया है तो भाई उसको अभी डेबिट कर दो, क्योंकि हेड ऑफिस से ब्रांच तक का गुड्स चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ गुड्स कहलाता है। इज दैट क्लियर। तुम क्या कह रहे, अगर कोई गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है,
और ब्रांच ने उसको आगे नहीं बेचा है तो उस पर प्रॉफिट अनरियलाइज कहलाता है। क्या बात कर रहे हैं अभी हम? हाँ जी, ध्यान से सुनो। इफ हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू ब्रांच, ठीक है, अगर हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजता है, इफ हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू ब्रांच, अगर हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजता है, ठीक है, वो है या एट आईपी, किस पर? इनवाइस प्राइस पर। किस पर? इनवाइस प्राइस पर। बट हाँ जी, ब्रांच, बट ब्रांच वुड नॉट बी एबल, बट ब्रांच वुड नॉट बी एबल टू सेल इन दैट पीरियड, उस पीरियड में ब्रांच आगे नहीं बेच पाता, ठीक है, दैट इज इट रिमेन एज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, देन लोडिंग क्रेडिटेड इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जो मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट में लोडिंग क्रेडिट कर दी, ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाली क्रेडिट कर दी, तो भाई ये रियलाइज नहीं होगा, इसको आपको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, शुड बी डेबिटेड, यानी अनरियलाइज्ड मार्जिन, ठीक है, गुड्स यानी प्रॉफिट तब तक नहीं कमा सकते जब तक गुड्स कस्टमर के पास नहीं पहुंचता, ठीक है, दैट इज मार्जिन इज रियलाइज्ड, वर्ड में क्या लिख रहा हूं, पैसा आया ओनली व्हेन गुड्स रीचेज इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर, जब गुड्स कस्टमर के पास पहुंच जाता है तब प्रॉफिट कमाते हैं हम, ठीक है, हेड ऑफिस ब्रांच को भेजकर प्रॉफिट नहीं कमा सकता, तो इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर पार्ट भी? तो ये कब रियलाइज होगा? नेक्स्ट ईयर, जब वो माल बिकेगा, है ना, तो अनरियलाइज्ड मार्जिन ऑन क्लोजिंग स्टॉक विल बी रियलाइज्ड इन नेक्स्ट ईयर व्हेन इट सोल्ड। इसका मतलब इस बार ओपनिंग पर आ जाएगा, तो इसका मतलब इस बार ओपनिंग पर रिलाइज होगा, गुड सेंट पर रिलाइज होगा और क्लोजिंग स्टॉक पर अनरिलाइज्ड। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इट मींस ओपनिंग स्टॉक पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक होगा, इस पर मार्जिन रिलाइज हो जाएगा, गुड सेंट पर पूरा रिलाइज करोगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक पर अनरिलाइज्ड। ठीक है भाई, चल इसको मैं एक एग्जांपल से ले रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। चलो बेटा नोट कर लिया, चलो अब बहुत ध्यान से देखो, मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। लेट्स से, जल्दी से समझो, ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं मेरे पास है 1000 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है 1000 यूनिट्स, ठीक है, मैंने भेजे ब्रांच पर, ये ब्रांच पर है,
एट ब्रांच, हमने गुड्स भेजे ब्रांच को 9000, ठीक है, और उन्होंने इसमें से 2000 रोक लिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मैं कह रहा हूं 100 रुपए की है, इनवाइस प्राइस मैं कह रहा हूं 125 रुपए की है, ओके। 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस, इनवाइस प्राइस मान लो 125 रुपए की, चलो वो अब 120 कर देते हैं, खुश। तो इसका मतलब मैंने बेचे कितने गुड्स, ब्रांच ने 8000 बेचे, ब्रांच ने 8000 बेचे। अब इसको दिखाओगे कैसे, फटाफट देखो, मतलब ब्रांच ने आगे मान लो 120 में ही बेचे, ठीक है। तो जब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओगे आप, हाँ जी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अच्छा एक मिनट, हमारा हम प्रॉफिट कितना दिखाना चाहते हैं फाइनली, है ना, जो बेचा उसी पर, तो यानी 8000 जो मैंने बेचे उस पर मुझे प्रॉफिट होगा 160000, बिल्कुल ठीक है। चलो अब कैसे दिखाएंगे, देखो, जब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओगे आईपी पर बनता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट आईपी पर बनता है, ठीक है। तो इसमें आता है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस बीडी 1000 यूनिट, है ना, अब यूनिट वाइज बोल रहा हूं मैं, गुड्स भेजे कितने 9000 यूनिट, ठीक है, उन्होंने बेच दिए सोल्ड बाय ब्रांच 8000, तो क्लोजिंग स्टॉक बच गए कितने 2000, तो सारा आईपी पर आएगा, ये सब आईपी पर आएगा, समझ के बात भाई। अगर 120 से ऊपर होता तो सरप्लस आ जाता, अभी सरप्लस नहीं है। चल अब एक बनेगा मेरा गुड सेंड टू ब्रांच और एक बनेगा ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है, और एक बनेगा गुड सेंड टू ब्रांच, है ना, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट आ जाएगा यहां 9000, ठीक है। इसमें जो लोडिंग होगी, ठीक है, वो आ जाएगी ब्रांच एडजस्टमेंट में, कितनी लोडिंग है 20 रुपए, और बाकी 100 रुपए कॉस्ट प्राइस ट्रेडिंग में, ठीक है भाई, खत्म। अब आ जाओ ब्रांच एडजस्टमेंट में, ध्यान से, 9000 पर मैंने प्रॉफिट कमाया यानी बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना 20 रुपए 9000 पर, ठीक है। केवल ये तब ठीक था जब मैं ये मान लेता कि जितना भेजा उतना बेच दिया, ठीक है, मतलब यही मैं ट्रांसफर कर देता पीएल में, यही मैं ट्रांसफर कर देता पीएल में, है ना, यही मैं ट्रांसफर कर देता पीएल में, कब कब कब, जब मैंने 9000 भेजे ब्रांच को, ब्रांच ने 9000 बेच दिए, तब तो सही था। अब 9000 में से कुछ बच गए, तो जो बच गए 2000, है ना, उस पर तो अभी प्रॉफिट नहीं कमाया जाएगा ना, तो उस पर क्या बोलोगे आप, डेबिट कर दोगे, इसको बोलोगे स्टॉक रिजर्व, इसे क्या बोलोगे स्टॉक रिजर्व, डेबिट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट हो गए, 9000 में से 2000 बच गए, तो जो 2000 बच गए उस पर डेबिट कर दो। अगर मान लो ओपनिंग नहीं होता, सपोज ओपनिंग नहीं होता और मैंने 9000 भेजे, ठीक है, और उन्होंने 7000 बेच दिए, 2000 बच गए, तो 9000 पर क्रेडिट, 2000 पर डेबिट, 7 पर रिलाइज हो जाता। अब पिछली बार का ओपनिंग है 1000, पिछली बार का ओपनिंग है 1000, ठीक है, इस पर मेरा मार्जिन रिलाइज हो जाएगा, जैसे ये डेबिट करा अगली बार क्रेडिट हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा बाई स्टॉक रिजर्व। इसका मतलब रिलाइज प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है भाई, टोटल देख लो कितना हो गया, हाँ जी 10000 × 20, है ना, ये तो हुआ 10000
इंटू 20, ये हो गया आपका 2 लाख, ठीक है, में से 40,000 माइनस कर दो, कितना आ गया 1,60,000, ये बैलेंसिंग फिगर। अब आगे बात समझ में, टैलीड हो गया, बोलिए क्लियर हो गया पार्ट में, ठीक है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक अगर आ जाता है तो उसकी लोडिंग आप एडजस्ट करते हो, ओपनिंग की क्रेडिट में, क्लोजिंग की डेबिट में, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस एज वेल एज एबनॉर्मल लॉस, चलो ध्यान से सुनो जरा, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने कॉस्टिंग भी किया था। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो हो नहीं, नॉर्मल है, सामान्य है, इसको हम रोक नहीं सकते, कुछ भी कर लो, इट कैन नॉट बी रिड्यूस, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ठीक है, अनअवॉइडेबल है। पास एक्सपीरियंस के हिसाब से हम देखते हैं तो हो नहीं है भाई, तो ये हमारे बिजनेस डिसीजन को इफेक्ट करता है, सबसे मेन बात, ये हमारे निर्णय को प्रभावित करता है कि मैं बिजनेस कैसे तो नहीं रोक दूंगा, लॉस ज्यादा हो रहा है तो, है ना। क्या होता है ये लीकेज, जैसे सीमेंट है, ठीक है, अब सीमेंट एक जगह से हेड ऑफिस से ब्रांच में जा रही है तो लोडिंग, अब वर्कर को कितने समझा लो, नहीं, एक लॉरी में अगर मान लो 500 सीमेंट के बैग हैं तो हेड ऑफिस के गोदाम से वो चढ़ाएंगे, तो जब चढ़ाएंगे तो वो पटकते हैं, फिर जब ब्रांच पे ले जाएंगे तो वहां के गोदाम में उठाकर पटकेंगे। अब ये नहीं उठाकर डेलिकेटेडली आराम से रखते, नहीं, उठाया पटका, उठाया पटका, तो जैसे ही पटकते हैं तो वो झड़ जाती है सीमेंट, यानी वो लॉस है नॉर्मल। इतना नहीं करते कोई भी कि जो नीचे है उसको इकट्ठा कर ले, वो एक बोरी बन जाए, नॉर्मल है भाई, नहीं करते। तो अगर 100 बोरी सीमेंट की भेज रहे हैं, 200 बोरी भेज रहे हैं, तो वो जो इतना लोडिंग अनलोडिंग में झड़ जाता है वो एक बोरी होती है, 2 बोरी होती है, तो वो नॉर्मल लॉस है, वो हमारा नॉर्मल लॉस है, ठीक है। या कोई हम लिक्विड भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत उड़ जाता है, केमिकल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो इस तरह की चीजें अगर हमारी हैं तो वो मान लो सेंट है तो वो थोड़ी बहुत क्या होता है, डेट्रियोरिटेट हो जाती है, तो वो नॉर्मल लॉस होता है। कि आपने कैप ठीक से नहीं लगाई तो वो उड़ जाती है। जैसे मान लो वेजिटेबल्स हैं, हम संतरे भेज रहे हैं हेड ऑफिस से ब्रांच को, तो अगर मान लो एक बैग में 100 संतरे हैं तो जो नीचे होते हैं संतरे 2, 4, 5 वो दब के खराब हो ही जाएंगे, संतरे हो गए, बनाना, केले हो गए, है ना। तो इस तरह के गुड्स हमारे लॉस होते ही होते हैं, तो नॉर्मल लॉस की वजह से हम क्या करते हैं, कॉस्ट बढ़ा देते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे ये कहते हैं मान लो मैंने 100,000 सीमेंट के बैग भेजे, ठीक है, मान लो 1,000 सीमेंट के बैग भेजे, ओके भाई, सपोज 20 रुपए के हिसाब से, सपोज 200 रुपए के हिसाब से, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, 2 लाख रुपए, ध्यान से सुनना, है ना। अब मुझे पता है कि यार 1,000 में ना 200 तो लॉस हो ही जाएंगे, नहीं तो यानी जो नेट होगा वेट 800 का ही होगा, इसका मतलब जो 2 लाख रुपए की कॉस्ट है ना वो रियलाइज होगी 800 बैग से, तो इसका मतलब 2 लाख डिवाइडेड बाई 800, तो इसका मतलब एक बैग की कीमत मेरी 250 रुपए हो गई, ठीक है। तो ये नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होता है सर, इसका मतलब अगर ये लॉस ज्यादा हो तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, 200 से 250, और पता लगा ये लॉस ज्यादा होने से कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा हो गई, तो फिर मैं बिजनेस नहीं करूंगा। यानी नॉर्मल लॉस मेरे बिजनेस को इफेक्ट करता है, नॉर्मल लॉस मेरे डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है, मेरे ऑपरेटिंग, इसका मतलब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाना है इसको, इसका मतलब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखाना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि ये रेकरिंग नेचर का होता है, ये रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है, अनअवॉइडेबल होता है, इसको आप रोक नहीं सकते, ये होना ही होना है, ठीक है भाई। इट विल इफेक्ट
our decision, it will affect our decision, ये हमारे decision को affect करता है, ठीक है, जैसे leakage हो गया, ठीक है, राइट भाई, जैसे सीमेंट जा रहा है, ठीक है, तो सीमेंट में लॉस होगा जो झड़ जाता है, डेटोरिडेट हो गया, ठीक है, राइट। अब जैसे मान लो ऑरेंज जा रहे हैं, संतरे जा रहे हैं, बनाना जा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल लॉस होता है, ओके। अभी हमारे डिसीजन को इफेक्ट करता है, इसका मतलब ये हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, इसका मतलब ये हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। चलिए सेकंड आता है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस, आप ध्यान से सुनना जरा, अभी दोनों की ट्रीटमेंट एक साथ समझा रहा हूं। एबनॉर्मल लॉस होता है जो हमारी लापरवाही की वजह से होता है, ठीक है, ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इट कैन बी अवॉइडेबल, इट कैन बी अवॉइडेड, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। इट अकर ड्यू टू अवर नेग्लिजेंस, ये हमारी लापरवाही की वजह से होता है, ठीक है, हाँ जी। इट विल नॉट इफेक्ट अवर डिसीजन, मतलब डिसीजन का मतलब बिजनेस करूं या नहीं करूं, इधर टू डू और नॉट द बिजनेस, ये उसको नहीं दिखाता, क्योंकि नॉर्मल लॉस ज्यादा होगा तो फिर मैं बिजनेस नहीं करूंगा, ठीक है, पर ये ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मान लो आग लग गई, उस वजह से मुझे 50 लाख का नुकसान हो गया इस बार, नहीं तो अब और बिजनेस में लॉस हो गया 50 लाख का, ये बिजनेस बेकार है, अरे भाई आपकी लापरवाही से हुआ था, अगली बार नहीं होगा, ठीक है, तो अब नॉर्मल लॉस आपके बिजनेस डिसीजन को इफेक्ट नहीं करता है, नहीं भाई, तो ये होता है आपकी लापरवाही का नतीजा, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, आग लगी, आपने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नहीं रखे थे, है ना, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, आपने गार्ड नहीं रखा था, ठीक है भाई, पिलफरेज, छोटी मोटी चोरी, ठीक है, आपने कैमरे नहीं लगाए, ये तो मतलब हुआ लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में लॉस हो गया, एक्सीडेंट, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये सारे हम अवॉइड कर सकते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगा दें, है ना, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह से रख दें, कैमरे लगा दें, छोटी मोटी चोरी नहीं होगी, सावधानी से चलाओ गाड़ी तो दुर्घटना नहीं घटेगी, ओके, तो इनकी कॉस्ट निकाल लेते हैं हम, ओके, हम इनकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ओके, विल रिड्यूस अवर नेट प्रॉफिट, ओके, एबनॉर्मल लॉस की हम कॉस्ट निकाल लेते हैं और वो मेरा नेट प्रॉफिट को कम करता है, ओके, चलिए ये सारी बातें हो गई क्लियर, आप पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे ट्रीटमेंट समझाता हूँ आपको। चलिए अब देखो जरा ध्यान से, ट्रीटमेंट क्या होगा इनका, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सबसे पहले बनाएंगे हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये बनता ही हमेशा आईपी पर है, क्योंकि गुड्स में आईपी पर भेज रहा हूं तो ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं, क्योंकि ये अकाउंट बना के उसको भी तो दिखाऊंगा ना, अगर कॉस्ट प्राइस से बनाऊंगा तो आईपी का पर्पस फेल हो जाएगा मेरा, ठीक है भाई, यह हमेशा बनता ही इनवाइस प्राइस पर है, तो यहां जाता है मेरा गुड सेंड टू ब्रांच, ठीक है भाई, अब जितना भी नॉर्मल लॉस हो वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस है तो एंट्री जब बनाओगे तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट,
नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, लॉस की वजह से गुड्स कम हो गया तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो गया, लॉस है तो डेबिट हो जाता है, लॉस से गुड्स कम हो गया तो ब्रांच स्टॉक का बैलेंस कम हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? नॉर्मल होता है जो होना ही होना है ना, लीकेज, डेटरिटेशन, ठीक है, जो अनअवॉइडेबल है। तो ये हमारे डिसीजन को इफेक्ट करता है, यानी जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है मैं वहां दिखाऊंगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से मेरा डिसीजन होगा कि मैं बिजनेस करूं नहीं करूं। भाई अगर किसी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कम आ रहा है तो मैं कहूंगा यार फिर तो ये नहीं ना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल, मतलब 100 रुपए की परचेज, 90 रुपए की सेल, है ना, तो फिर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, क्योंकि नॉर्मल लॉस से कॉस्ट मेरी बढ़ जाती है। तो अगर कॉस्ट बढ़ गई और सेल कम, तो फिर तो मैं कहूंगा यार और ये हर बार का है, तो फिर मैं वो बिजनेस नहीं करूंगा। तो नॉर्मल लॉस हमारे डिसीजन को इफेक्ट करता है, ये हमारी लापरवाही की वजह से होता है कि आग लग गई, 25 लाख का नुकसान हो गया, बिजनेस में लॉस हो रहा है, अरे भाई अगली बार नहीं होगा। तो ये इसलिए मैं इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ले जाना चाहता हूँ। चलिए खैर, एक मिनट, ये हो गया। अब ये दोनों कौन सी प्राइस पर आ रहे हैं मेरे पास, इनवाइस प्राइस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब एक काम करता हूँ, नॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेता हूँ, मैं एक नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेता हूँ। थोड़ा सा ऊपर ले लूँ इसको, है ना, नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है, हाँ जी, कैंट्री भी नहीं, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट आईपी पर, यानी इतने रुपए का माल मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सर, 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी, मैंने 125 रुपए में भेजा था, ठीक है, अब उसने आगे जितने भी बेचा हो, पर यहां तो 125 रुपए में आ रहा है, कॉस्ट तो 100 रुपए की है। तो जो गुड्स मेरा बेकार हो गया, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे अबनॉर्मल हो, समझ के बात भाई, तो सबसे पहली बात तो उस पर जो लोडिंग थी, क्योंकि गुड्स एंड पर लोडिंग क्रेडिट कर दी होगी आपने, गुड्स एंड पर लोडिंग क्रेडिट कर दी होगी, गुड्स एंड पर लोडिंग आपने क्रेडिट कर दी होगी, है ना भाई, आपने एंट्री क्या बनाई होगी, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री बनाई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, है ना, फिर गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, फिर हमने एंट्री बनाई होगी गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट और टू ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये लोडिंग, यानी इस पर लोडिंग यहां आ गई, ठीक है। अब जो माल बेकार हो गया, यानी अब आप कहोगे कि सर ये तो मैंने कमा लिया, नहीं 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 नहीं, जो लॉस हो गया वो गुड्स एंड में से तो था, जो लॉस हो गया वो गुड्स एंड में से ही तो था। तो अगर मैं इस पर लोडिंग क्रेडिट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूं कि जो लॉस हो गया उस पर मैंने कमा लिया, अरे भाई जो लॉस हो गया उस पर तो नहीं कमाया ना, तो उस पर आप कैंसिल करोगे, उस पर आप कैंसिल करोगे नॉर्मल लॉस अकाउंट, क्या लोडिंग, राइट भाई, यानी कैंसिल करोगे, क्योंकि लॉस पर लोडिंग कमाई नहीं होगी, ठीक है भाई। तो नॉर्मल लॉस में आ गया बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, लोडिंग, यानी कैंसिल करनी पड़ेगी मुझे, कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग। बोलो समझ में आ गई बात इतनी, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। नॉर्मल लॉस डेबिट करा हमने, मतलब अकाउंट में क्रेडिट करा 125 रुपए से, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट आ गया 125 रुपए से, है ना। इस पर लोडिंग आप कैंसिल करोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में टोटल गुड्स एंड पर लोडिंग क्रेडिट हो गई, उसमें से लोडिंग डेबिट कर दो नॉर्मल लॉस पर, कैंसिल करोगे, क्योंकि मैंने नहीं कमाया, जो माल नुकसान हो गया उस पर
जो लोडिंग गुड सेंड की वजह से क्रेडिट हो गई थी वो डेबिट करोगे. सेम एबनॉर्मल लॉस, सेम एबनॉर्मल लॉस, सेम एबनॉर्मल लॉस. एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट. देखो ना ध्यान से, चलो एक मिनट. ब्रांच स्टॉक अकाउंट में मैंने क्रेडिट करा क्योंकि लॉस की वजह से मेरा गुड्स कम हो जाएगा. बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस. यानी नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट. तो नॉर्मल लॉस के डेबिट में चली गई, एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में चली गई, नॉर्मल लॉस के डेबिट में आ गई, एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में आ गई और स्टॉक के क्रेडिट में आ गई. ये बात तो समझ में आ गई होगी. अब इस पर लोडिंग, क्योंकि ये दोनों गुड्स एंड में से ही है तो गुड्स एंड पर लोडिंग क्रेडिट कर दी. इसमें से लोडिंग आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, चाहे वो नॉर्मल लॉस है चाहे वो एबनॉर्मल लॉस है. ठीक है भैया, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट लोडिंग कैंसिल करोगे? नहीं, कैंसिलेशन यानी बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लोडिंग. बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? कैंसिल करोगे तो लोडिंग आपकी कैंसिल हो गई. टोटल लोडिंग में नॉर्मल लॉस की लोडिंग डेबिट हो गई, एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग डेबिट हो गई, क्योंकि लॉस पर कोई आप लोडिंग रियलाइज नहीं कर सकते. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस. तो लोडिंग्स नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों पर डेबिट हो गई यानी कैंसिल हो गई यानी अनरियलाइज्ड. बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है. अब आगे ध्यान से जरा, नॉर्मल लॉस की वजह से हम ग्रॉस प्रॉफिट को कम करेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना. मैं क्या कहना चाहता हूं, हाँ जी, ड्यू टू नॉर्मल लॉस, अगर मेरा नॉर्मल लॉस ज्यादा है, अगर मेरा नॉर्मल लॉस ज्यादा है तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट को कम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ग्रॉस प्रॉफिट पर निर्णय लेता हूं कि मैं बिजनेस करूं नहीं करूं. और अगर नॉर्मल लॉस ज्यादा हो गया तो हर बार का ज्यादा, भाई धंधा बंद कर दो. ठीक है, आप बिजनेस को बंद कर दो. तो ड्यू टू नॉर्मल लॉस वी शुड, ध्यान से समझना, रिड्यूस, कम कर दोगे अवर ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इंडिकेट बिजनेस डिसीजन कि मैं काम करूं नहीं करूं. ग्रॉस प्रॉफिट मींस परचेज एंड सेल. अरे भाई, खरीदने बेचने में लॉस हो रहा है तो फिर आप क्यों करोगे बिजनेस? ओके, ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो पहले इसको कर ले. अब नॉर्मल लॉस, आईपी लोडिंग कैंसिल, है ना. अब ध्यान से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कहां आता है मेरे पास? ब्रांच एडजस्टमेंट में. ब्रांच एडजस्टमेंट से, ब्रांच एडजस्टमेंट से ग्रॉस प्रॉफिट तो आता है. ब्रांच एडजस्टमेंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है ना. ठीक है भाई, तो हम यहां पर कम कर देंगे इसको. तो हम यहां लिख देंगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. क्या चीज? कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस, ओके, यहां आ जाएगा नॉर्मल लॉस. कॉस्ट प्राइस, ओके. तो ये जो आपका निकल कर आता है, ये जो आपका निकल कर आता है, ये ट्रांसफर होता है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ट्रांसफर होता है, होता क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, समझ गए. जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम होगा, जितना ये ज्यादा होगा उतना ये कम होगा, तो फिर मेरा बिजनेस बेकार होगा. राइट भाई, इसलिए हम नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को भी ब्रांच एडजस्टमेंट में ले जाते हैं. ओके, तो लोडिंग और कॉस्ट दोनों यहां आ जाती हैं, ताकि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट, और ग्रॉस प्रॉफिट बेस होता है बिजनेस डिसीजन का,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ट्रांसफर टू पीएल है, प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। जब हम ब्रांच प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है भाई, तब आ जाएगा ये क्रेडिट, ब्रांच एडजस्टमेंट बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, ये आ गया, ठीक है। इसमें खर्चे आ जाते हैं यहां पर, फिर आता है नेट प्रॉफिट, फिर आता है आपका नेट प्रॉफिट, यही तो आता है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, अब बताओ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, से मैं बिजनेस डिसीजन इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, अवर बिजनेस डिसीजन, अवर बिजनेस डिसीजन नॉट इफेक्टेड, और बिजनेस डिसीजन किस पर होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट पर, ठीक है, हालांकि लॉस है तो इट विल रिड्यूस अवर नेट प्रॉफिट, जैसे खर्चे हो गए, है ना भाई, इस बार अगर 20 लाख 25 लाख 30 लाख का लॉस हो गया, आग लगने से, चोरी होने से, लापरवाही की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, जो घर प्रॉफिट लेके जा रहे हो वो कम हो रहा है, जो घर प्रॉफिट लेके जा रहे हो वो कम हो रहा है, ठीक है। तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या कह रहे हो, आईपी लोडिंग तो कैंसिल कर दी, ठीक है, अब ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कॉस्ट प्राइस, ये जितना ज्यादा कॉस्ट प्राइस का नुकसान होगा उतना ये प्रॉफिट कम हो जाएगा, बोलो क्लियर है। तो नॉर्मल लॉस की वैल्यू के दो पार्ट्स, लोडिंग कैंसिल करोगे, कॉस्ट प्राइस ग्रॉस प्रॉफिट को कम करेगा, इसलिए नॉर्मल लॉस के दोनों ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएंगे। एबनॉर्मल लॉस में लोडिंग कैंसिल करोगे एडजस्टमेंट अकाउंट से और कॉस्ट पीएल में से कम करोगे, बोलो समझ में आ गई। अब लास्ट में एक और, सर अगर मान लो एबनॉर्मल लॉस है और मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो जो पैसा मिलेगा वो पीएल में क्रेडिट कर दो सीधा बाई इंश्योरेंस कंपनी, इफ एनी, बोलो क्लियर पार्ट। चलो भाई ये सारा आपका हो गया नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस, फटाफट नोट कर लो इसको जल्दी। चलिए इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, हाँ जी मैं डाटा ही लिख देता हूं, प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। चलो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये दिया हुआ आपको 1 लाख रुपए, ठीक है, हाँ जी ये है इनवाइस प्राइस, ये है आपकी इनवाइस प्राइस, और वो कह रहा है गुड्स आर सेंट कॉस्ट प्लस, हाँ जी 25%। चलो फिर कहता है ओपनिंग स्टॉक है, ₹20,000 का, साइलेंट तो आईपी पर ही होगा, क्लोजिंग स्टॉक है ₹40,000 का, ठीक है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है, ₹25,000 का, और गुड्स लॉस्ट
ड्यू टू लीकेज, ड्यू टू लीकेज 20,000 रुपए का, ठीक है। सेल बाय ब्रांच, नब्बे हजार रुपये, चलो ज़्यादा ले लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा ना, 1,20,000, ठीक है। एक्सपेंसेस एट ब्रांच 10,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 10,000, क्लियर है, राइट भाई, ओके, चलो क्लियर है। इससे बनाना है हमें ब्रांच अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट नोट कर लो। तो सबसे पहले बनाएंगे हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये किस पे बनेगा आपका? हाँ जी, इनवाइस प्राइस पर। ये किस पर बनेगा? इनवाइस प्राइस पर, ठीक है। हाँ जी, कितने रुपए का माल भेजा हमने? देखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, हाँ जी सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग स्टॉक देखो कितने का है मेरे पास, 20,000 रुपए का। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। तो इसको हम वर्किंग में दिखाएंगे हमेशा, कॉस्ट प्लस 25%, यही कर दूंगा मैं तो आपको। कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग, ये हो जाएगा आईपी। तो जो दिया हुआ है यानी कॉस्ट, परसेंटेज किस पर है? कॉस्ट पर। परसेंटेज किस पर है? कॉस्ट पर, उसी को मान के चलो। अगर इनवाइस प्राइस होती तो इनवाइस प्राइस को मान के चलते 100। अब इसका 25% कॉस्ट का 25%, तो इनवाइस प्राइस होगी 125। इसका मतलब ये लोडिंग कॉस्ट का 1/4 है और ये 25 125 का 1/5 है, ठीक है बेटा। तो मेरे पास तो आईपी है क्वेश्चन में, यानी इसका 1/5 लोडिंग होगी, ठीक है। चलो गुड, सेंड टू ब्रांच। हाँ जी, 1,00,000 रुपए का माल भेजा, यानी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच 1,00,000 रुपए आईपी है ये, क्लियर बेटा। 1/4 ऑफ कॉस्ट यानी इसका 1/4, 2500 का 1/4, 25 125 का 1/5। तो कोई भी 1/4 होगा कॉस्ट का, हमेशा वो 1/5 होगा आईपी का, 1 नीचे जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, 20,000 रुपए ओपनिंग, 1,00,000 रुपए का माने माल भेजा। अब ध्यान से क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना है, 40,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 का, ठीक बात है भाई। सेल जो ब्रांच बेचेगा, हम क्या एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच सेल, कैश की जगह ब्रांच कैश, डेटर की जगह ब्रांच डेटर, टू ब्रांच सेल की जगह ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक ही बात है। तो यहां जाएगा बाई सेल, है ना, कैश या क्रेडिट कितनी है, 1,20,000, ठीक है भाई। चलो अब जो लॉस हो गया, चाहे वो नॉर्मल हो या अब नॉर्मल, ठीक है, 20,000 रुपए का नॉर्मल लॉस, 25,000 रुपए का अब नॉर्मल लॉस, 20,000 रुपए का नॉर्मल लॉस, 25,000 रुपए का अब नॉर्मल लॉस, आईपी है ये, क्वेश्चन साइलेंट है तो इनवाइस प्राइस, क्योंकि ब्रांच बता रहा है और ब्रांच को कॉस्ट पता ही नहीं। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, अब नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। क्यों? लॉस की वजह से स्टॉक कम हो गया, ड्यू टू लॉस, चाहे वो नॉर्मल हो या अब नॉर्मल, मेरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट कम हो जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगा क्रेडिट,
ठीक है, एंट्री बनेगी नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में आ गया। है ये इनवाइस प्राइस, किस खुशी में, क्योंकि ब्रांच को नहीं पता होता प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ओके, तो देखो एक बार क्या रह गया आपका, गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है, गुड्स लॉस्ट हो गए, है ना, सेल हो गई, बस। चलो अब यहां से क्या निकलेगा, सरप्लस, बोलो 120,000 प्लस 45,000 प्लस 40,000 205,000, ठीक है भाई, 205,000। चलिए तो ये क्या आया, सरप्लस, मतलब एक्सेस ऑफ आईपी, सॉरी एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवाइस प्राइस। ओके, कितना आ गया, 120,000, 85,000 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। ब्रांच तक अकाउंट में क्या आया, ओपनिंग स्टॉक जो माल भेजा, जो लॉस हो गए, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक और सेल, बाकी बैलेंस मेरा सरप्लस। चलिए अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये लोडिंग का अकाउंट होता है, ये लोडिंग्स का अकाउंट होता है केवल, है ना, ये आपका होगा ओनली लोडिंग अकाउंट, ठीक है भाई। फिर आएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान रखना ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट कम होता है तो मैं बिजनेस नहीं करता, अगर लॉस होता है तो मैं नहीं करता, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है तो वो मेरे डिसीजन को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो खर्चों ये अब नॉर्मल लॉस की वजह से होता है, नॉर्मल लॉस हमेशा मेरे डिसीजन को प्रभावित करेगा, अगर नॉर्मल लॉस ज्यादा है जिस वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है, जिस वजह से मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल लॉस गुड यूनिट की कॉस्ट बढ़ाता है, तो इसलिए मैं नॉर्मल लॉस की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट को कम करवाता हूं, ताकि अगर ये ज्यादा हो तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस में आ जाएगा या बहुत कम, तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि रेकनिंग नेचर का है, और अब नॉर्मल लॉस मेरा लापरवाही का नतीजा है, अगर अब नॉर्मल लॉस की वजह से मेरे को लॉस होता है तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि बिजनेस बंद कर दूं, क्योंकि इस बार होगा अगली बार नहीं होगा, ठीक है, आग लगने से 30,00,000 रुपए का नुकसान हो गया तो आपका नेट लॉस आ जाएगा, पर बिजनेस आप कंटिन्यू करोगे अगली बार नहीं होगा, क्योंकि चलो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है भाई, कितने का है नॉर्मल लॉस, 20,000 का नॉर्मल लॉस है, 20,000 का अब नॉर्मल लॉस है, धनक नागर ये अकाउंट नहीं भी पूछे तो वर्किंग में बना लिया करो, इसको फिर वर्किंग में बना लेते हैं हम, ठीक है, हाँ जी, अब नॉर्मल लॉस 25 का, ये आईपी है, ठीक है भाई, ये इनवाइस प्राइस है, अब ध्यान से रुको रुको रुको, अब सबसे पहले ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाओ जरा, जो जो माल भेजा उस पर लोडिंग कितनी है, ये इनवाइस प्राइस है, तो 1,00,000 पर लोडिंग कितनी होगी इनवाइस प्राइस की, 1/5, ये लोडिंग का रेट होगा 1/5 आईपी का, ठीक है, चलिए हाँ जी, यानी 1/5 1,00,000 पर हमारा मार्जिन है, तो क्या होगा, हाँ जी, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट, तो यहां आ जाएगा बाई, हाँ जी, गुड सेंड टू ब्रांच लोडिंग, यानी 1,00,000 रुपीस पर, ये 1,00,000 रुपए इनवाइस प्राइस है, 1/5 20,000, तो एंट्री बनेगी
गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट 1,00,000 से, टू ब्रांच एडजस्टमेंट लोडिंग 20,000, टू ट्रेडिंग 80,000, क्योंकि ट्रेडिंग के क्रेडिट में 80,000 पे जाएगा, क्योंकि मेरी परचेज तो 80,000 शामिल है ना, मैंने 80,000 का माल 20,000 की लोडिंग पर 1,00,000 में भेजा था, तो 1,00,000 पर जो मैंने 20,000 कमा लिए वो क्रेडिट हो गए। ये तभी सही है जब मैंने सारा माल बेच दिया, बट इसमें से 40,000 का माल बच गया, इसमें से 40,000 का माल बच गया, तो 40,000 पर लोडिंग आपने जो क्रेडिट कर दी वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो उसे क्या बोलोगे, स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता तो 20,000 मेरी कमाई हो जाती, ठीक है, यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, अनरियलाइज्ड मार्जिन ऑन क्लोजिंग स्टॉक डेट इज 1/5 ऑफ 40,000, कितना हो गया 8,000। बोलो क्लियर। अब ये अगली बार कमाऊंगा तो इस बार ओपनिंग का 20,000 का स्टॉक रिजर्व, ये पिछली बार डेबिट किया होगा, वन बाय फिफ्थ ऑफ 20,000 यानी 4,000। बोलो क्लियर। चलिए यहां तक समझ में आ गई बात भाई। अब आ जाओ ध्यान से, जो सरप्लस है 85,000 का, ठीक है, जो सरप्लस है वो आ जाएगा, सरप्लस, ठीक है, राइट। अगर लॉस नहीं होता तो ये सारा प्रॉफिट में चला जाता क्रॉस प्रॉफिट के नाम से, ठीक है, मतलब 4,000 20,000 मैंने कमाए, 8,000 मैंने नहीं कमाए, तो 24,000 में से 8,000 16,000 मैंने कमा लिए, 85,000 एक्सेस के, यानी 16,000 तो ब्रांच को झूठ बोल के कमाए, 85,000 ब्रांच ने मुझे कमा के दिए, तो नेट आ जाता। पर रुको, अब आते हैं अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 20,000 रुपए की इनवाइस प्राइस का लॉस हो गया इस पर, क्योंकि ये भी तो गुड सेंड में से है, ये भी तो गुड सेंड में से है, तो इस पर लोडिंग अननेसेसरी क्रेडिट है, वो डेबिट कर दो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, है ना, इस पर भी लोडिंग क्रेडिट है वो डेबिट कर दो, यानी जो लॉस हो गया चाहे नॉर्मल चाहे अबनॉर्मल, है ना, तो वो गुड सेंड में से तो है, तो आपने लोडिंग ऑलरेडी क्रेडिट कर दी है, डेबिट करनी पड़ेगी, कि लॉस पर, लॉस पर मैं नहीं कमा सकता ना, 1/5, 1/5, 1/5, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। चलिए कितना 4,000, कितना 20,000, ठीक है भाई, नहीं सॉरी 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 क्या हो गया 5,000। तो 4,000 और 5,000 के लोडिंग आप डेबिट कर दोगे ब्रांच एडजस्टमेंट टू नॉर्मल लॉस टू एबनॉर्मल लॉस लोडिंग्स, ठीक है, ये लोडिंग कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग, कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग, कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग ऑन लॉसेस, ठीक है भाई, कितना है 4,000 और 5,000, 4,000 और 5,000, ये तो लोडिंग कैंसिल हो गई, ये तो लोडिंग आपकी कैंसिल हो गई, क्योंकि 20,000 में शामिल है, क्योंकि गुड सेंड में से तो लॉस है। चलो अब ध्यान से सुनो, 20,000 रुपए की आईपी का नुकसान हुआ, 4,000 रुपए लोडिंग कैंसिल, तो कॉस्ट कितनी 16,000, यानी 16,000 रुपए के गुड्स का नुकसान हो गया, और यह हर बार होगा, यह हर बार होगा, ठीक है भाई, तो ये दिखा दो कहां पर, कहां पर दिखा दो इसको, ब्रांच एडजस्टमेंट में, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट से हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट को मुझे कम करना है, क्योंकि नॉर्मल लॉस की वजह से, नॉर्मल लॉस की वजह से मैं चाहता हूं
कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट हो, ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मेरे बिजनेस डिसीजन को इफेक्ट करता है, तो टू नॉर्मल लॉस, कॉस्ट प्राइस ऑफ नॉर्मल लॉस गुड्स, जितना ज्यादा ये लॉस होगा उतना मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, मैं उतना बिजनेस को करने के बारे में बार बार सोचूंगा। तो आप ध्यान रखना, ब्रांच एडजस्टमेंट में नॉर्मल लॉस की टोटल आईपी डेबिट हो जाती है, लोडिंग और कॉस्ट प्राइस, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा ग्रॉस प्रॉफिट, नाम ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 85,000 प्लस 20,000 109,000, इसमें से माइनस कर दो 8,000, माइनस के 16,000, माइनस के 5,000, यानी 80,000 रुपए का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ठीक है भाई। जितना ज्यादा ये नॉर्मल लॉस होगा उतना मेरा प्रॉफिट कम होता चला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा। चलिए ये आ गया बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हुआ, 80,000 रुपए का, ठीक है भाई, ओके बात समझ में आ गई। अब ध्यान से, जो मेरा अब नॉर्मल लॉस है 25,000 रुपए के आईपी का, 5,000 रुपए के लोडिंग कैंसिल, तो कॉस्ट प्राइस कितने रहेंगे, 20,000। ये लापरवाही की वजह से है, इसको दिखाओगे ब्रांच पीएल के अंदर, ओके ये ब्रांच पीएल में आ जाएगा, टू एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट प्राइस कितना, 20,000, ओके। तो अब नॉर्मल लॉस की लोडिंग, लोडिंग में कैंसिल हो गई, कॉस्ट पीएल में से आ गई। अब एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू ब्रांच कैश है ना, और ब्रांच एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे, ठीक है। कितने के, 10,000 है ना, और 10,000 रुपए क्लेम, दस हजार रुपए के खर्चे, ठीक है भाई। जो क्लेम मिला वो क्रेडिट दिखा देना, ठीक है, ओके। चलिए तो 90,000 रुपए में से 30 माइनस कर दो, कितना बचा, 60। ये आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नेट प्रॉफिट, ओके, ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो भी, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया। चलो एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। चलिए बेटा, अब इसी बेस पर हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपके स्टडी मटेरियल का, पेज नंबर 13.31 स्टडी मटेरियल जो आईसीआई का है उस पर इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है, मिल गया पेज नंबर 13.31। चलो देखो क्या कहता है, हिंदुस्तान इंडस्ट्रीज मुंबई हैज ए ब्रांच, यानी ये हेड ऑफिस है इन कोचीन, तो विच ऑफिस गुड्स आर इनवाइज्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%, यानी कॉस्ट अगर 100 रुपए की है तो लोडिंग 25, कॉस्ट का 25%, तो आईपी मेरी हो गई 125 रुपए, ठीक है। यानी ये लोडिंग कॉस्ट का 1/4 है ना, और आईपी का 1/5, ओके। जब आईपी दिया हो तो 1/5 लगा देना। द ब्रांच सेल्स बोथ कैश एंड क्रेडिट, बट ऑब्वियसली ब्रांच तो अपनी सेल बढ़ाने के लिए कुछ नकद भी बेचेगा, कुछ उधार भी बेचेगा। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, क्योंकि क्योंकि आपकी डिपेंडेंट ब्रांच है तो सारे खर्चे हेड ऑफिस करता है। ब्रांच हैज टू रिमिट ऑल कैश रिसीव्ड इनटू हेड ऑफिस बैंक अकाउंट, यानी ब्रांच को हैज टू मतलब करना पड़ता है, सारा कैश हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में जमा कराना पड़ जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू कैलेंडर ईयर,
2011 प्रिपेयर अकाउंट्स इन द हेड ऑफिस लेजर एंड असर्टेन द ब्रांच प्रॉफिट ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट बट सेंड्स वीकली रिटर्न ऑफ ब्रांच कोई रिटर्न ब्रांच कोई अकाउंट तो मेंटेन करता नहीं बट डिटेल भेजता रहता है दो चार दिन के बाद मतलब हफ्ते के अंत में गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 6 लाख रुपए यानी ब्रांच कह रहा है कि हेड ऑफिस से 6 लाख रुपए की इनवाइस प्राइस का माल आया रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवाइस प्राइस ये नहीं लिखा होता तो भी मैंने बताया था आपको एग्जांपल जो कपड़े पहन के सवेरे गए थे शाम को वही तो वापस आएंगे पहन के तो जिस प्राइस पर हेड ऑफिस भेज रहा वही प्राइस तो वापस आएगी और वैसे भी ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं होती है स्टॉक एट कोचीन एज ऑन 1 जनवरी ठीक है 60,000 तो ये भी आईपी पर होगा क्योंकि ब्रांच को तो कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं ब्रांच बता रहा ना सारी डिटेल ब्रांच ने इतना कैश बेचा इतना उधार बेचा संडी डेटर्स एज ऑन 1 जनवरी ओपनिंग डेटर्स हैं कैश रिसीव हुआ डेटर से 3,20,000 डिस्काउंट दिया डेटर्स को ठीक है बैड डेट्स सेल्स रिटर्न ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ब्रांच के सैलरी वेजेस अदर एक्सपेंस सारे खर्चे कौन कर रहा है हेड ऑफिस स्टॉक एट 31 दिसंबर 1,20,000 चलिए अब कह रहा है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस भाई ध्यान से पढ़ना स्टॉक एंड डेटर मेथड में ब्रांच अकाउंट नहीं बनता ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनता है सर पूछा तो है तो भाई स्टॉक एंड डेटर मेथड कह तो दिया तो जब स्टॉक एंड डेटर मेथड बोल दिया तो इसका मतलब ब्रांच अकाउंट्स कह रहा है वो ध्यान से पढ़ना केवल ब्रांच अकाउंट नहीं कह रहा ब्रांच के अकाउंट्स तो ब्रांच के अकाउंट्स कौन से बनेंगे हेड ऑफिस की बुक में इस मेथड में ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट गुड्स सेंट टू ब्रांच एक्सपेंसेस डेटर और कैश और फिर ब्रांच पीएल अकाउंट ठीक बात है चलो बनाए हाँ जी इलस्ट्रेशन नंबर 6 चलिए हाँ जी तो हेड ऑफिस की बुक्स में हमें क्या क्या करना है हेड ऑफिस की बुक्स में हाँ जी क्या क्या बनाओगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवाइस प्राइस पर बनेगा ठीक है भाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमेशा आईपी पर बनेगा ठीक है ब्रांच स्टॉक अकाउंट का मतलब है कितना पैसा कितना स्टॉक ब्रांच के पास पड़ा हुआ है कितना भेजा कितना बेच दिया ठीक है चलिए सेकंड बनेगा आपका हाँ जी गुड्स सेंट टू ब्रांच गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ठीक है तीसरा बनेगा आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ठीक है भाई हाँ जी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट फिर ब्रांच डेटर्स अकाउंट एंड देन हाँ जी ब्रांच कैश अकाउंट बना सकते हो आप ठीक है क्योंकि खर्चे तो हेड ऑफिस कर रहे तो इतनी ज्यादा आवश्यकता है नहीं तो डायरेक्ट बना लो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट और लास्ट में ब्रांच पीएल चलो बिल्कुल क्लियर है
नाउ कम टू द पॉइंट, ठीक है भाई, अब एक एक करके समझते चले जाते हैं हम। चलो हाँ जी, एक एक एंट्री पढ़ते चले जाओ। क्या कह रहे हैं, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, देखो क्वेश्चन करने का तरीका यही है, आप एक एक लाइन पढ़ो उसको भेजते चले जाओ, ठीक है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवाइस प्राइस, हेड ऑफिस से माल आया इनवाइस प्राइस पर 6 लाख, ब्रांच कह रहा है, यानी सारी बातें ब्रांच कर रहा है, तो ब्रांच कह रहा है 6 लाख रुपए का माल मेरे पास आया, तो गुड्स एंड की एंट्री हेड ऑफिस क्या पास करता है, ब्रांच टू अकाउंट बढ़ जाता है। हेड ऑफिस जब ब्रांच को माल भेजता है तो क्या एंट्री पास करता है, हाँ जी, ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाता है हेड ऑफिस की बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट 6 लाख रुपए, तो एंट्री क्या बनी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है भाई, कितना, हाँ जी 6 लाख रुपए का माल भेजा हमने, हमने माल भेजा 6 लाख रुपए का, ठीक है, राइट। चलो हाँ जी, अच्छा कोचीन ब्रांच तो लिख सकते हो, कोचीन ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, टू, थोड़ा गैप देके क्योंकि ओपनिंग आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है भाई, 6 लाख रुपए इनवाइस प्राइस पर मैंने माल भेजा, ठीक है, 6 लाख रुपए के आईपी का हमने माल भेजा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में आ जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच में आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 6 लाख रुपए इनवाइस प्राइस, ठीक है बेटा। चलिए चलो, ओके क्लियर, आगे रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवाइस प्राइस कितना 12,000 है, ब्रांच कह रहा है कि भैया आपने मुझे गलत माल भेज दिया, डिफेक्टिव भेज दिया, सरप्लस भेज दिया, ठीक है, वट एवर द रीजन, तो मैं उसको वापस कर रहा हूं, तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिया, तो यानी मेरे पास माल आया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट कम हो गया, इसकी रिवर्स एंट्री, गुड सेंड टू ब्रांच टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, है ना, कितने से, 12,000 से, ठीक है भाई, तो ब्रांच स्टॉक में क्रेडिट आ जाएगा, ब्रांच स्टॉक में क्रेडिट आ जाएगा बाई गुड सेंड टू ब्रांच, कितना 12,000 रुपए की आईपी पर, ये हमेशा इनवाइस प्राइस पर बनता है, तो गुड सेंड टू ब्रांच में डेबिट हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बोलो समझ में आ गई, क्योंकि माल वापस आने से स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है, चलो तो मैंने क्रेडिट कर दिया जनरल एंट्री में। स्टॉक एट कोचीन ओपनिंग बैलेंस है 60,000 का, ओपनिंग बैलेंस है ब्रांच में स्टॉक का 60,000 का, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ओके ओपनिंग बैलेंस हो गया। चलो हाँ जी, ब्रांच ने बेचा नकद उधार 2 लाख रुपए 3,60,000, तो ब्रांच क्या एंट्री पास करेगा, नहीं हेड ऑफिस की एंट्री पास करेगा, सेल की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ये सेल की एंट्री होती है, ब्रांच ने बेचा तो ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, है ना, टू ब्रांच सेल, यानी जब बेचेंगे ब्रांच से माल कस्टमर के पास जाएगा, ब्रांच से गुड्स कस्टमर के पास जाएगा, तो ब्रांच स्टॉक कम हो जाएगा, तो ब्रांच सेल लिखो या ब्रांच स्टॉक लिखो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा, ब्रांच कैश कितना 2 लाख और डेटर 3,60,000, ठीक है भाई, तो यहां आ जाएगा बाय सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल, यानी ब्रांच डेटर्स, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रांच डेटर्स, ठीक है भाई, ठीक बात है, हाँ जी बताओ कितने हैं ब्रांच डेटर्स 3,60,000 के, और कैश सेल्स कितने की थी,
दो लाख ओके तो उधार माल बेचा, ब्रांच डेटर्स डेबिट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो ब्रांच डेटर में आ जाएगा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। उधार माल बेचने से मेरे डेटर्स बढ़ गए, स्टॉक कम हो गया। कितने का उधार माल बेचा मैंने, कितने का उधार माल बेचा, हाँ जी उधार माल 360,000 का, बोलो क्लियर, क्रेडिट सेल, ये आपकी क्या है क्रेडिट सेल, बोलो क्लियर है, चलो हो गया। सन्डरी डेटर्स 1 जनवरी को 72,000, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लियर है बेटा। चलिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 320,000, तो क्या एंट्री बनाएंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये बेसिक एंट्री बनेगी। पैसा आया कैश बढ़ गया, डेटर्स से पैसा आया डेटर्स कम हो गए। अब ब्रांच ने पैसा कलेक्ट किया तो ब्रांच कैश, ठीक है, और डेटर्स ब्रांच के कम हुए तो ब्रांच डेटर, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ठीक है, हाँ जी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितने, 320,000 बाई ब्रांच कैश या ब्रांच बैंक 320,000, ठीक है भाई, राइट। तो ये मेरे पास आ गया, हाँ जी 320,000 ओके, जो पैसा कलेक्ट हो वो बैंक में जमा करा रहे हैं ना, इसलिए मैंने बैंक में लिखना चाहा, एक ही बात है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हो गया, ब्रांच कैश या ब्रांच बैंक, ब्रांच का बैंक अकाउंट बढ़ गया। डिस्काउंट मैंने डेटर्स को दिया, बैड डेट्स, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या पास करते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, है ना, डिस्काउंट लॉस हो डेबिट करोगे, बैड डेट्स लॉस है डेबिट करोगे, ठीक है, और डेटर्स मेरे कम हो जाएंगे क्योंकि डिस्काउंट लूंगा तो उतना पैसा कम लूंगा, बैड डेट्स हो गया तो फिर अब दोबारा तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ब्रांच के हैं, अब ये खर्चे तो एज इट इज, अब चाहे ब्रांच के हो चाहे हेड ऑफिस के हो, खर्चे तो खर्चे हमारे ही हैं, बट डेटर्स ब्रांच के कम होंगे तो ब्रांच, हाँ जी, और ये डिस्काउंट और बैड डेट्स कहां चले जाएंगे, ब्रांच एक्सपेंसिस में, ब्रांच एक्सपेंसिस डेबिट टू डिस्काउंट और बैड डेट्स, बोलो समझ आ गई बात भाई। कितने के हैं डिस्काउंट, हाँ जी 6,000 रुपए का डिस्काउंट है और 4,000 रुपए का बैड डेट्स है, ठीक है, चलो तो ब्रांच डेटर्स में आ गए, हाँ जी बाई डिस्काउंट, ठीक है, बाई बैड डेट्स ओके, हाँ जी देखो डिस्काउंट कितने का है जरा फटाफट, 6,000 का डिस्काउंट है और 4,000 रुपए का बैड डेट्स है, ठीक है। अब बैड डेट्स एंड डिस्काउंट डेबिट टू, हाँ जी ये कहां चले जाएंगे, एक्सपेंसेस में, यानी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, या डायरेक्ट पीएल में डाल दो, या डायरेक्ट पीएल में डाल दो, एक ही मतलब है, या डायरेक्ट आप पीएल में भी डाल सकते हो, ये ब्रांच के जो खर्चे हैं, ठीक है, एक ही मतलब है, ब्रांच एक्सपेंसेस टू ब्रांच डेटर्स, ठीक है, डिस्काउंट और बैड डेट्स, डिस्काउंट कितना है 6,000 और 4,000, डायरेक्ट पीएल में डाल दो क्योंकि यहां से तो पीएल में जाना ही है। चलो सेल्स रिटर्न, हाँ जी कितनी है 8,000, तो सेल्स रिटर्न एट कोचीन ब्रांच 8,000 रुपए, यानी जब मैंने उधार माल बेचा था तो क्या एंट्री बनाई थी, ब्रांच डेटर डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, डेटर्स बढ़ गए थे स्टॉक कम हो गया, तब वापस आ गया तो स्टॉक बढ़ जाएगा, वापस आ गया तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, है ना, वापस आ गया तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा और डेटर्स मेरे कम हो जाएंगे क्योंकि अब जब माल वापस कर दिया, मैंने रामलाल को बेचा था उसने वापस कर दिया तो मैं तो उससे पैसे नहीं लूंगा ना,
तो अपनी लिस्ट में कम करूंगा, कितना 8000। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, टू ब्रांच डेटर्स सेल्स रिटर्न कितने की 8000। ओके, यानी जो हमने सेल्स करी वो रिटर्न आ गई, तो ब्रांच डेटर में भी आप क्या करोगे, हाँ जी, बाय ब्रांच स्टॉक सेल्स रिटर्न, ठीक है, 8000, ठीक है, चलिए, ओके, क्लियर, चलो, हाँ जी। अब रेंट रेट्स एंड टैक्सेस सैलरी ऑफिस एक्सपेंस क्या करोगे इसकी एंट्री बोलो, हाँ जी, एक्सपेंस डेबिट टू ब्रांच कैश, एक्सपेंस डेबिट टू बैंक होता है ना, खर्चे की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां ब्रांच के खर्चे हैं तो ब्रांच एक्सपेंस, और खर्चा ब्रांच का कैश कम हो रहा है तो टू ब्रांच, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच बैंक, ठीक है, तो ब्रांच एक्सपेंस में आ जाएगा रेंट सैलरी ऑफिस, रेंट सैलरी ऑफिस, हाँ जी, टू ब्रांच बैंक, ठीक है, कौन कौन से खर्चे, रेंट, कौन कौन से खर्चे हैं देख लो जरा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हैं, सैलरीज हैं और ऑफिस एक्सपेंस है, ठीक है भाई, चलिए, कितने कितने के रेंट, 18000 रुपए का रेंट है, 18000 रुपए का रेंट है, सैलरी 60000 की है, ठीक है, और 6000 का अभी कौन कर रहा है, हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में बनाएगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच बैंक, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, ध्यान से देखो एक मिनट, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ब्रांच के खर्चे कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस कर रहा है, तो हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस का बैंक अकाउंट कम होगा, ठीक है भाई, ब्रांच करता तो ब्रांच बैंक होता, ठीक है, चलिए, क्लियर है, हेड ऑफिस कर रहा है तो हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस बैंक, यानी टू बैंक अकाउंट, अब हेड ऑफिस अपने आप कर रहा है तो खाली बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं हम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, हेड ऑफिस ऐसे कर दो, ठीक है, चलिए, हो गया, खर्चे कौन कर रहा है, हेड ऑफिस, ठीक है, तो यहां पर बस हेड ऑफिस लिखेगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, बैंक अकाउंट, क्योंकि मैं खर्चे कर रहा हूं, चलो, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है 120000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 120000 का, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, ओके, हाँ जी, देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना बताया, 94000, क्लोजिंग बैलेंस चेक करो एक बार, कितना आ रहा है, 94000, नहीं नहीं नहीं, स्टॉक एट ब्रांच, सॉरी सॉरी सॉरी, 120000, एक लाख बीस हजार, चलो क्लियर है बेटा, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका 120000, ठीक है, हो गया क्लियर, हाँ जी, चलो, अब और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं रहेगी, एक बार देखें जरा, हाँ जी, बस, ठीक है, चलो अब अकाउंट क्लोज कर दो, तो सबसे पहले आप अकाउंट क्लोज करोगे कौन सा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कितना क्या ये 2,03,60,000, हाँ जी, 2,03,60,000 प्लस 12,000 प्लस 1,20,000, ये हो गया 6,92,000,
ठीक है, माइनस 668,000, 6,68,000, तो ये आ गया मेरा 24,000 बैलेंसिंग फिगर। क्या कहेंगे हम इसको बोलो? हाँ जी, ये मेरा सरप्लस हुआ, ये मेरा सरप्लस हुआ, तो कहाँ चला जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। इसको क्या बोलूंगा मैं? सरप्लस, ठीक है, डेट इज एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर आईपी, यानी ब्रांच ने इनवाइस प्राइस के ऊपर जो बेचा उसमें 24,000 रुपए एक्स्ट्रा मैंने कम, यानी नॉमिनल मार्जिन, तो हम इस पर कमीशन देने में हमें कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है। ये कहलाया, ये कहलाया आपका नॉमिनल प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है बेटा। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाए 24,000, ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाओ 24,000, ठीक है, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये सरप्लस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो जरा, सबसे पहले हमने कहा, हाँ जी, हमने 6,00,000 का माल भेजा, 12,000 का वापस आ गया, ठीक है, 6,00,000 का माल भेजा, 12,000 का वापस आ गया, तो 6,00,000 पर लोडिंग, यानी जब एंट्री बनाओगे तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच, है ना, आईपी पर है ये आईपी पर है। अब इसमें लोडिंग कितनी है, अब इसमें लोडिंग कितनी है, तो लोडिंग हटाकर बाकी परचेज में चला जाएगा, तो लोडिंग वाला पार्ट हटा दो, टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, कितनी लोडिंग है, 1/5, 6,00,000 पर 1/5, 6,00,000 पर 1/5 कितनी, 1,20,000, तो एंट्री बनी गुड्स सेंड टू ब्रांच 6,00,000, टू ब्रांच एडजस्टमेंट 1,20,000, बाकी परचेज में आ जाएगी, बाकी अपने आप ट्रेडिंग में, यानी परचेजेस में, ठीक है भाई। एक मिनट एंट्री पास कर लें, हम ऐसे ही समझ लें, एक मिनट डायरेक्ट, यानी 6,00,000 पर लोडिंग है ना, क्रेडिट करोगे 6,00,000 पर लोडिंग क्रेडिट करोगे आप, किसमें, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, वही आ रही है, तो यह आ जाएगा बाई, हाँ जी, गुड्स सेंड टू ब्रांच कितनी है, 6,00,000 पर लोडिंग 1,20,000, ठीक है, 6,00,000 पर 1/5, ये वाली एंट्री हो गई ना आपकी, गुड्स सेंड टू ब्रांच टू ब्रांच एडजस्टमेंट, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो गया, ठीक है। अच्छा एक मिनट इसकी रिवर्स की, हाँ जी, 12,000 का मतलब वापस आ गया, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच स्टॉक, इस पर लोडिंग रिवर्स कर दो, तो बाई, हाँ जी, ब्रांच एडजस्टमेंट 12,000 पर 1/5 यानी 2,400, ठीक है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना, 2,400, ठीक है, 12,000 पर 1/5 यानी लोडिंग क्रॉस कर दी, जो रिटर्न हो गया, ठीक है बेटा। चलो एक बार इतना नोट कर लो, ठीक है, ये लोडिंग ऑन रिटर्न, लोडिंग ऑन रिटर्न, ठीक है। हाँ जी भाई, हमने 12,000 का माल वापस आ गया मेरे पास, तो एंट्री बनी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच स्टॉक, तो इस पर लोडिंग, यानी ये एक तरह से, ये एक तरह से हमारे पास 6,00,000 रुपए में से ही तो है, है ना, तो 6,00,000 पर ये लोडिंग आई, तो 12,000 पर ये लोडिंग, ओके। चलो अब एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक देखो, मुझे करना क्या है बेसिकली, 60,000 पर लोडिंग, 6,00,000 पर लोडिंग, ठीक है, क्रेडिट करनी है, ओके, इन पर लोडिंग डेबिट करनी है, 60,000 ओपनिंग स्टॉक है, इस पर प्रॉफिट मैं इस बार कमाऊंगा, जो अनलाइज प्रॉफिट था
इस पर लोडिंग मैं इस बार क्रेडिट करूंगा, ठीक है, बट जो बच गया उस पर लोडिंग मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर लोडिंग मैं अगली बार कमाऊंगा, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रांच को भेजकर माल भेजकर लोडिंग नहीं कमा सकता जब तक ब्रांच आगे नहीं बेचेगा। अब क्योंकि ये 1,20,000 6,00,000 में से ही होगा, 60,000 में से ही होगा, तो इन 60,000 और 6,00,000 पर आपने लोडिंग क्रेडिट कर दिया है ना, ये वाली, ठीक है। अब उसमें से जो स्टॉक बच गया उस पर लोडिंग क्रेडिट कर दिया आपने कि मैंने कमा लिया, ब्रांच को भेजकर नहीं कमाया, तो वो आप डेबिट करोगे, है ना, स्टॉक रिजर्व टू स्टॉक रिजर्व टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है भाई, हाँ जी, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना देखो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऐसी ओपनिंग पर क्रेडिट हो जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व, दैट इज लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी, ये आ जाएगा लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक। चलिए अब देखो जरा एक बार कितना है ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी 60,000 का है, 1/5 60,000 पर 1/5 और 1,20,000 पर 1/5, तो 60,000 पर 1/5 डायरेक्ट लिख लूं मैं 12,000, हाँ जी 60,000 पर 1/5, ठीक है। चलो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,20,000 पर 1/5, 1,20,000 पर 1/5, 1/5 आईपी, तो ये होगी मेरे पास 24,000। बोलो समझ आ गई बात भाई, देखो ओपनिंग स्टॉक पर मैंने लोडिंग कमा ली, माल भेजने पर लोडिंग हो गई, ठीक है, ओके, क्लोजिंग स्टॉक पर लोडिंग डेबिट हो गई और जो वापस आया उस पर रिवर्स हो गई, तो ये 12,000 प्लस 1,20,000 और माइनस 24 और 24,000, यानी लोडिंग भेजकर माल नेट माल भेजकर कमाया, ठीक है, और ब्रांच ने मुझे कितना एक्स्ट्रा कमा के दिया, तो ये मेरा फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट, तो कहां चला जाएगा, ब्रांच पीएल में, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट, यानी क्या होगा ये एक्सेस ऑफ आईपी ओवर कॉस्ट एज वेल एज एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवाइस प्राइस दोनों का। चलिए कितना है, 12,000 प्लस 1,20,000 प्लस 24, 12,000 प्लस 1,20,000 प्लस 24, 1,56,000, माइनस 24,000, माइनस 2,400, यानी 1,29,600, 1,29,600 क्या है ये, हाँ जी बताओ, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी ब्रांच को जो मैंने भेजा उस पर लोडिंग, ठीक है, प्लस ब्रांच ने उसके ऊपर जो बेचा वो मार्जिन, ये 1,29,600 है, इसमें खर्चे माइनस नहीं है। तो मैं अगर आपको समझाने की बात कहूं तो ये क्या कहलाएगा, बेसिकली एक्सेस ऑफ, हाँ जी, सेलिंग प्राइस ओवर आईपी एंड एक्सेस ऑफ आईपी ओवर कॉस्ट, यानी डायरेक्ट कह सकते हो, यानी डायरेक्ट कह सकते हो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, ओके, बात समझ में आ गई, देखो ना 12,000, ठीक है, 1,20,000 माइनस 2,400, ठीक है, और माइनस 24,000, ये कहलाया एक्सेस ऑफ आईपी ओवर कॉस्ट, ये कहलाया एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर आईपी, तो दोनों मिलाकर 1,29,600। चले ये चले जाएंगे आपके पीएल में, ये चले जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, यहां आ जाएंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, 1,29,600 मैंने कमाए ग्रॉस प्रॉफिट,
जैसे पीएल नहीं बनाते तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है भाई। अब इसमें से खर्चे, चलिए अब क्या क्या रह गया देखो, ब्रांच डेटर्स रह गया आपका, है ना, ब्रांच डेटर्स रह गया, ठीक है, 72,000 प्लस 360,000, 72,000 प्लस 360, 432,000, ओके, 432,000 माइनस 320,000, हाँ जी माइनस 6,000, 4,000, 8,000, ठीक है, 6,000, 4,000 और 8,000, तो ये हो गया हमारा 94,000। क्या आया ये क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। चलो यार, ब्रांच बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं, जितना आया उतना भेज दिया। अब ब्रांच एक्सपेंसेस, ठीक है, इतने नुकसान हो गए, इतने मैंने जेब से खर्चे कर दिए, ठीक है भाई, तो 18,000, 60,000, 6,000, चलिए 18,000, 60,000, 6,000, ठीक है, प्लस 10,000, ये हो गया आपका 94,000। ये ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, पीएल में, तो ये आ गया बाई ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर, ठीक है। चलो तो ब्रांच पीएल में आ गए, टू ब्रांच एक्सपेंस, टू ब्रांच एक्सपेंस 94,000, ठीक है भी। चलो तो 1,29,600 तो मैंने कमाया ग्रॉस प्रॉफिट, 1,29,600 क्या है, जो ब्रांच को भेजकर मैंने कमाया, यानी एक्सेस ऑफ आईपी ओवर कॉस्ट प्लस ब्रांच ने जो सेलिंग प्राइस करी ओवर आईपी, वो दोनों का टोटल है, और खर्चे इतने, ठीक है भी, खर्चे इतने, तो बाकी बैलेंस हो जाएगा नेट प्रॉफिट, ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हाँ जी कहां पर ट्रांसफर टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। 1,29,600 माइनस 94,000, 35,600, यानी मैंने 35,600 इस पीरियड में ब्रांच से कमाया, ठीक है भाई, बोलो समझ आ गई बात। चलो एक बार नोट कर लो पूरा सारा, ले जाओ सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ही है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7, ओके, ये है आपका पेज नंबर, मैं बात करूं तो थर्टीन पॉइंट एट टू आपके स्टडी मटेरियल में, 13.82 पेज पर, चलिए पढ़ते हैं एक बार। ये कह रहे मेसर्स मरीना दिल्ली हैज ए ब्रांच एट बेंगलोर टू विच ऑफिस गुड्स आर इनवाइस्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। सेम बात आ गई, ये कहता है हेड ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, इनके एक ब्रांच है बेंगलोर में जिनको ये गुड्स बेचते हैं कॉस्ट प्लस 25% पर, ताकि उनको सही प्रॉफिट ना पता लगे और अपना बिजनेस ना शुरू कर दें, ठीक है, या फिर हम उनको कमीशन कम देना चाहते हैं, ओके, तो कॉस्ट पर 25%, तो यानी जो माल 100 रुपए का है मैं उनको 125 रुपए बोलकर दे रहा हूं, यानी 25 100 का 1/4 ऑफ कॉस्ट बराबर 1/5 ऑफ आईपी, ठीक है। चलिए ब्रांच सेल्स बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड डायरेक्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, ब्रांच हैज टू रिमिट ऑल कैश,
सेम ही क्वेश्चन है लगभग. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू कैलेंडर ईयर प्रिपेयर द अकाउंट्स हेड ऑफिस लेजर और ब्रांच का प्रॉफिट बताओ. कौन से मेथड से? स्टॉक एंड डेटर मेथड से. ठीक है. ब्रांच डज नॉट मेंटेन एनी बुक्स बट वीकली रिटर्न भेजता है. ठीक है बेटा. चलिए अब ये कह रहा है गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 45 लाख रुपए का माल आया रिटर्न टू हेड ऑफिस 90,000 रुपए. स्टॉक एट बेंगलोर ओपनिंग सेल्स डेटर्स का ओपनिंग कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स डिस्काउंट बैड डेट्स सेल्स रिटर्न रेंट रेट्स एंड टैक्सेस सैलरी ऑफिस एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख रुपए. ठीक है चलो इसको फटाफट कर लेते हैं फिर हम. ठीक है भाई चलिए. हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 7. हेड ऑफिस की बुक्स बनाएंगे. हाँ जी सबसे पहले बनेगा हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट. ठीक है ये मैं इसको शॉर्ट में करा रहा हूँ आपको फटाफट. ठीक है दूसरा बनेगा गुड सेंड टू ब्रांच क्योंकि सेम ही तो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ सिर्फ. गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट. ठीक है तीसरा बनेगा आपका ब्रांच एडजस्टमेंट. चौथा बनेगा आपका ब्रांच डेटर्स और फिर ब्रांच एक्सपेंसेस और फिर ब्रांच पीएल. चलो अब जल्दी से करते चले जाते हैं हम. ठीक है भाई. हाँ जी करिए फटाफट. सबसे पहले गुड्स हमने कितना भेजा 45 लाख रुपए का तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 45 लाख रुपए. इस पर लोडिंग 1/5 है. अच्छा एक मिनट यहां भी आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 45 लाख 1/5 इस पर लोडिंग है ना. 1/5 इस पर लोडिंग है तो वो ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगी. 1/5 कितना हो गया 9 लाख. ठीक है तो ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाओ. ठीक है भाई ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या जाएगा भाई ब्रांच. हाँ जी भाई गुड्स सेंड टू ब्रांच 9 लाख. ओके है ना बिल्कुल आ रहा है क्लियर. चलो बहुत बढ़िया. चलो ओके. हाँ जी रिटर्न टू हेड ऑफिस 90,000 रुपये का माल वापस आ गया. रिवर्स एंट्री पास कर दो. ठीक है 90,000 रुपये की रिटर्न एंट्री कर दो बाय गुड सेंड टू ब्रांच. ठीक है हाँ जी तो गुड सेंड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना मात्र 90,000. ठीक है भाई इस पे लोडिंग. हाँ जी बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कितनी 1/5 है 18,000 है ना तो ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएंगे. टू ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितनी 18,000. समझ आ रहा है कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो फटाफट करते चले जाओ है क्या. चलो ओपनिंग स्टॉक है 4.5 लाख का. ओपनिंग स्टॉक है 4.5 लाख का तो टू बैलेंस बीडी. ओपनिंग स्टॉक 4.5 का है ना. अब इस पर लोडिंग क्रेडिट हो जाएगी. स्टॉक रिजर्व कितना 1/5 90,000 इस पर 1/5. ठीक है चलो चले. हाँ जी गुड सेल्स सेल्स 15 लाख और 27 लाख. हाँ जी सेल्स ब्रांच डेटर्स 15 लाख इसको लिखो सेल 15 लाख एक है 27 लाख एक है तो 15 लाख की क्या होगी कैश सेल्स और ये ब्रांच डेटर्स. ठीक है तो ब्रांच डेटर में आ जाएगा 27 लाख. उधार माल बेचा टू ब्रांच स्टॉक. चलो
डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 5,40,000 है, ओपनिंग बैलेंस है 5,40,000। चलो ठीक है, ये तो हम स्पीड से कर सकते हैं ना, क्योंकि सेम टाइप का है। अब कैश कितना रिसीव हुआ डेटर से, 24,00,000 रुपए। ठीक है, कैश रिसीव हुआ डेटर से बाई ब्रांच बैंक, जो पैसा रिसीव हुआ वो हेड ऑफिस में जमा करा देंगे, है ना। जो पैसा रिसीव हुआ वो आप हेड ऑफिस में जमा करा दोगे, तो एंट्री क्या बनेगी उसकी बताओ, बैंक अकाउंट भाई, ब्रांच बैंक। चलिए अब देखो, डिस्काउंट बैड डेट्स, ठीक है, ये सारे हमारे मतलब क्या होंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, कितने 45,000 और 30,000, कितने 45,000 और 30,000, ठीक है। 45,000 हमारा क्या है, 45,000 हमारा क्या है, देखो बैड डेट्स एंड डिस्काउंट, ठीक है भाई। तो ये सीधा बाद में कहां चले जाएंगे, ब्रांच एक्सपेंस में, है ना, बैड डेट्स एंड डिस्काउंट कितने दोनों मिला के 75,000, और ब्रांच एक्सपेंस कहां जाता है, ब्रांच पीएल में। चलो हो गए, सेल्स रिटर्न, हाँ जी 60,000 रुपए सेल्स रिटर्न, जब माल वापस आ गया तो मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे, ये कम हो जाएंगे, ठीक है। हमने जब बेचा था तो ब्रांच डेटर्स स्टॉक, अब वापस आ गया तो स्टॉक बढ़ जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, सेल्स रिटर्न, हाँ जी सेल्स रिटर्न कितने रुपए की है, देखो सेल्स रिटर्न 60,000 रुपए की है, ठीक है। तो हमारा स्टॉक भी तो बढ़ जाएगा, कैसी बातें करते हो, है ना, टू ब्रांच डेटर्स। चलो चलो भाई चलो, सैलरी ऑफिस एक्सपेंस 4,50,000 और 45,000, तो एक्सपेंस डेबिट टू ब्रांच बैंक, है ना, कितने हो गए 4,50,000 और 45,000, 4,50,000 और 45,000, 4,50,000 और 45,000 टू ब्रांच बैंक, पैसा बैंक से जा रहा है, कोई छोटा मोटा रकम थोड़ी ना जो मैं कैश पे कर दूंगा, ओके ये सारा चला जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो हो गया मेरे ख्याल से सारा। चलिए स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी कितना है, 9,00,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, मात्र 9,00,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक है, मात्र 9,00,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा मात्र 9,00,000 रुपए बाई बैलेंस सीडी, ठीक है भाई, हो गया क्लियर खत्म। चलो आप फटाफट बंद करें, देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट ओपनिंग स्टॉक पर लोडिंग जाएगी 1/5, कितनी 90,000 हो गई, है ना, 45,000 पर लोडिंग जाएगी 9,00,000, ठीक है, 60,000 नहीं 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 सेल आएगी, चलो 90,000 पर 1/5 डेबिट हो गई, ठीक है ये सेल, आप 9,00,000 पर 1/5 स्टॉक रिजर्व कितना 1,80,000 हो गया। चलिए देखो ना, ये ओपनिंग स्टॉक पर कमाया, ठीक है ये माल भेजने पर कमाया, ठीक है, और ये रिटर्न पर डेबिट हो गई, क्लोजिंग स्टॉक पर डेबिट हो गई हमारी, तो ब्रांच एडजस्टमेंट, अच्छा रुको रुको, अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट से जो आएगा वो सरप्लस कहलाएगा। अब ध्यान से सुनो जरा, इसको ब्रांच एडजस्टमेंट में भेज दो, ठीक है ये सरप्लस कहलाया, या ब्रांच पीएल में, एक ही बात है, हाँ जी कितना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट का, देखो जरा कैलकुलेट करो, हाँ जी ये टोटल आ गया 51,90,000, ये माइनस कर दो टोटल, तो ये आ गया मेरे पास 1,80,000, कहाँ जाएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट में, मतलब ये क्या है, ब्रांच ने जो सेल करा ओवर आईपी, ठीक है, अब ये 1,80,000 हमारा, ये 1,80,000 हमारा यहाँ आ जाएगा,
डायरेक्ट पीएन में भी ले सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो 9 लाख प्लस 81 प्लस 90, 9,90,000 प्लस 1,80,000 माइनस 18,000, तो ये आ गया मेरा 9,72,000। बताओ जल्दी से बच्चों, ये क्या है 9,72,000? ठीक है, ये मेरा चला जाएगा टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है फाइनल। यानी ये सेलिंग प्राइस और इनवाइस प्राइस का डिफरेंस एंड इनवाइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस टोटल, तो 9,72,000 आ गया मेरे पास, 9,72,000 आ गया ब्रांच एडजस्टमेंट से। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस से आ जाएगा 75,000, 4,45,000, 75,000 प्लस 45,000 प्लस 4,45,000, 5,70,000 ये ट्रांसफर कर दो, 5,70,000 यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंस। ठीक है भाई, हाँ जी ठीक है, चलिए तो कितना बचा 9,72,000। ठीक है, हाँ जी रेंट रेट्स हमारे रह गए थे 1.35 के। ठीक है, एक मिनट, टू ब्रांच एक्स ब्रांच बैंक ये रह गया था 1,35,000 का रेंट एंड टैक्सेस, 5,70,000 प्लस 1.35, तो ये हो गए 7,05,000। हाँ जी टोटल मिलाकर आपके हो गए 7,05,000, ये ट्रांसफर कर दो आप 7,05,000। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया 2,67,000 का, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल। ब्रांच डेटर बंद कर देना आप, क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। हाँ जी ब्रांच डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है, ये आ जाएगा 32,40,000, 32,40,000 इसमें से माइनस कर दो, हाँ जी 24,75,000 और 60,000, तो ये आ जाएगा मेरे पास बैलेंस सीडी, यानी 7,05,000। चलो क्लियर, सेम ही था लगभग प्रैक्टिस के लिए।